वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक मैडम थे जहाँ पे मैं ये बात कर रही थी कि uh, जब हमें एजुकेशनल इवेलुएशन की बात करनी है तो जो लास्ट वन पॉइंट है दैट इज एग्जामिनेशन टेक्निक उसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं एंड uh, ये आपकी मदद करेंगे टू कवर द एफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन इन योर असमेंट प्रोसेस तो बहुत सारी चीजें हैं ऑब्जर्वेशन है इंटरव्यू है क्वेश्चन आयर है चेकलिस्ट हैं रेटिंग स्केल्स हैं पीपल प्रोडक्ट हैं जिनको की आप यूज कर सकते हैं कुछ डिटेल्स uh, है कि हम किस किस एंगल पे क्या क्या चीजें यूज करते हैं जैसे अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो कुछ तरह के टेस्ट हो सकते हैं टेस्ट लाइक यूनिट टेस्ट टर्म टेस्ट एनुअल टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो रेगुलरली हम यूज भी कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स रेटिंग स्किल्स इंक्वायरी में क्वेश्चन और इंटरव्यू शेड्यूल्स चेकलिस्ट एनालिसिस के लिए प्रोफार्मा एनालिसिस शीट स्कोर कार्ड ये सारी चीजें हैं जिनको कि अगर हम अपने इवेलुएशन प्रैक्टिस में इंक्लूड करें तो ये एक ब्रॉडर uh, परस्पेक्टिव से असेसमेंट के रिजल्ट देंगे और इसमें हम तीनों डोमेन कॉग्निटिव एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को कवर करने में सक्षम हो पाएंगे अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट uh, पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है कौन से आ, टेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं जिनमें अगर इम्प्रूवमेंट कर लिया जाए तो जो ये स्ट्रक्चर हो गया है जिसपे कि हम पहले सेशन से बात कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है तो इसमें इसको डिस्कस करने से पहले मैं दो बातें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी जो पॉपुलर आपके मोड ऑफ टेस्टिंग है वो पहला है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग ये दो तरह की टेस्टिंग है ये क्या होते हैं इनको अगर हम डिस्कस करेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं तो पहला जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है उसके लिए एक तरह का मेजरमेंट है इन विच टेस्ट आइटम्स आर मॉडिफाइड एंड चेंज टू एनश्योर दैट ए नॉर्मल डेस्टिंग जब भी हम आ, रेफरेंस टेस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे टेस्ट आइटम्स होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं जिसमें कि हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व मिल जाए कैसे होता है हम आगे चलेंगे ज्यादा क्लियर होगी बात वहां पर Uh, the aim of the norm reference testing is to rank order the students in a class rather than assess their attainment of a specified curriculum objective. Uh, he बात ज्यादा आसानी से समझ में हमारे आ जाएगी जब हम नॉम रेफरेंस टेस्टिंग यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे जो हमारा पर्पज है वो उसमें हम अपने क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड कराते हैं सपोज इन जनरल जो हम लोग क्लासरूम में टेस्ट लेते हैं एज अ टीचर तो वो एक नॉम रेफरेंस टेस्ट है मान लिया हमारे क्लासरूम में फिफ्टी स्टूडेंट्स uh, होते हैं तो हम उन फिफ्टी स्टूडेंट्स में बता देते हैं कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स की ये स्टूडेंट फर्स्ट है फर्स्ट रैंक सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन वन टू फिफ्टी हम उनकी क्या कर देते हैं रैंकिंग कर देते हैं तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव इन्वामेंट होता है क्लासरूम में कि आप फर्स्ट पोजीशन पे हैं या आप सेकंड पोजीशन पे हैं या लगातार मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में नहीं आ पा रहा हूँ एक कंपटीशन होता है जहाँ पे हम ये भी नहीं देखते कि जो पोजीशन फर्स्ट है सेकंड है सपोज मैं एक देती हूं, एक क्लासरूम में एक टेस्टिंग होती है और वहां पे बच्चा आउट ऑफ हंड्रेड जो हाईएस्ट स्कोर करता है इट इज ट्वेंटी फाइव कोई एक बहुत डिफिकल्ट टेस्ट रहा होगा तो जिसमें एक हाईएस्ट स्कोर करने वाला बच्चा ट्वेंटी है और ट्वेंटी के बाद अगला बच्चा जो है वो ट्वेंटी स्कोर कर रहा है तो नहीं है मैडम ऑडेबल तो है मुझे भी आवाज आ रही है मैडम साइट से ही प्रॉब्लम है हाँ मैंने अभी चेक किया तो मैं ऑडेबल हाँ, हो ठीक है अनम्यूट हूँ तो मैम आप प्लीज अपना चेक करिए नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कहीं तो, तो आ, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है और मैं एग्जांपल ले रही थी कि अगर एक का टेस्ट हुआ इसमें एक बच्चे ने 25 स्कोर किए आउट ऑफ 100 एंड ही इज इन द फर्स्ट पोजीशन तो वहां पे क्लासरूम में ये इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है कि आउट ऑफ अंडर्ट उसने कितना स्कोर किया द इम्पोर्टेंट थिंग इज है वो फर्स्ट आया वो फर्स्ट आया वो फर्स्ट आया सो अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंटें कॉम्पिटिटिव इन्वाइ इज इम्पॉर्टेंट इन दैट वेरी क्लासरूम जो जनरली हम लोग करते हैं और आपने वो थ्री इडियट मूवी देखी रही होगी उसमें क्या था कि अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आ, दूसरे बच्चे को प्रिपरेशन से रोके तो वो उनके हॉस्टल रूम्स में आ, कुछ आ, मैगजीन्स कुछ मटेरियल डाल देते हैं जिसमें बच्चे क्या हो डिस्ट्रैक्ट हो और वो पढ़ाई की बजाय दूसरे काम में लग जाए जिसकी वजह से कोई अगला जो है वो अपनी पोजिशन को सिक्योर रखे तो ये क्यों हो रहा है हमें अपने मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना अचीव करें हमें हमारी पोजीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें फर्स्ट आना है तो हमें बाकियों को फर्स्ट आने से रोकना भी है और ये जो कंडीशन है ये आपके क्लासरूम में जो एक कंपटीशन एक कॉम्पिटेटिव इन्वा जनरेट कर रही है वो भी बहुत सारे क्राइम को जन्म दे रहे हैं जैसे अः ये तो मूवी का एक सीन था लेकिन इन जनरल भी आप जानते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कभी बच्चों की कोई बुक चोरी हो जाती है कभी उनके नोट्स चोरी हो जाते हैं पूरा का पूरा बैग चोरी हो जाता है बच्चे कहीं इधर से उधर कर देते हैं और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है कि अब जब पेरेंट्स इतना प्रेशर बनाएंगे बच्चों पे फर्स्ट आने के लिए

अब इसमें करते क्या है इस पर हम डिटेल जाने से पहले थोड़ा सा क्राइटेरियन रेफरेंस पे बात कर लेंगे एक दूसरी तरह की टेस्टिंग है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग शायद आप लोगों ने नॉम रेफरेंस समझ लिया होगा जो आपके जनरल क्लासरूम में होता है एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का कि इसमें क्या होता है Criterion reference testing is measurement against a standard of achievement of how well a student can perform represent an absolute grading system that is yes he can no he cannot whether अब यहाँ पे हमें किसी भी तरह की ranking नहीं करनी होती मैं आप लोगों का example देती हूँ suppose आप लोगों का 20-25 लोगों का एक group है madam uh, ने आपको ये तो बता रखा है कि आपकी grading होगी आपको grade card मिलेगा लेकिन वहां पे आपको ये भी बताया गया होगा कि सपोज आपके लिए मैडम ने दस टारगेट डिसाइड कर रखे होंगे सपोज एक आपकी रेगुलरिटी हो गई कि आप सेशन में कितने रेगुलर हैं अटेंडेंस हो गई कि आप कितने किस तरह से हैं आपने पूरी अटेंडेंस कवर करी है या नहीं करी फिर आपसे कोई एक बुक रिव्यू कराया गया होगा कोई हो सकता है कुछ प्रेजेंटेशन लिया जाए कोई प्रोजेक्ट हो आपको करना हो फिर एक एग्जाम होगा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे उसके मार्क्स आपके लिए जरूरी होंगे इस तरह से कुछ आठ दस क्राइटेरिया आप लोगों को बताए गए हैं जिन क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है फॉर अचीवमेंट ऑफ़ ग्रेड्स सपोज किसी ने दस में से नौ पूरे कर लिए तो नाइनटी परसेंट किसी ने दस में से दस कर लिए तो कम्प्लीटली हंड्रेड परसेंट किसी ने दस में से आठ कर लिए उसी हिसाब से उसके ग्रेड हो जाएंगे लेकिन अगर पूरी की पूरी क्लास दस में से दस कर ले तो भी यहाँ पे किसी में को किसी दूसरे से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो अपना काम सेपरेट कर रहा है और यहाँ पे रैंकिंग नहीं होनी है कि यू आर फर्स्ट यू आर सेकेंड यू आर थर्ड यू आर फोर्थ इसमें क्या है जैसे मान लिया कि कोई एक दस में से दस कर चुका या किसी ने दस में से नौ पूरे कर लिए अब उसको पता है कि उसका ए प्लस ग्रेड जो है वो सिक्योर हो चुका है अब कोई एक ऐसा है जो दस में से छह कर पाया है सातवें को करने में उसे कुछ दिक्कत आ रही है तो अगर आप उसको एक मदद कर देंगे कि वो सातवां ऑब्जेक्टिव वो भी पूरा कर ले तो आपको आपकी पोजीशन पे कोई भी आंच नहीं आएगी अगर आपने दस में से नौ काम पूरे कर लिए हैं तो आपको आपका ग्रेड सुरक्षित है उसमें अगर आप किसी दूसरे की मदद भी कर रहे हैं तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि आपकी पोजीशन पे कोई पर, वो नहीं है वो भी मान लिया उसने भी दस में से सात कर लिए आठ कर लिए तो उसका भी ग्रेड अकॉर्डिंगली वहां तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पे कोई भी रैंकिंग नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच में कोई भी कॉम्पिटेटिव इनवायमेंट नहीं है सपोज अभी तो आप लोग ऑनलाइन मोड में हैं जब ये कभी भी आपने करी भी होंगी ऐसी ट्रेडिंग जब ऑफलाइन में होती क्या करते हैं हम लोग लंच में जाना होता है अपना सारा नोट्स वगैरह वहीं छोड़ देते हैं फिर उसके बाद लंच पे चले जाते हैं फिर लौट के आते हैं तो फिर हम अपना रिज्यूम करते हैं सेशन अगर कहीं सिटी हो हो ये 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 या अपने कॉलेज में लेके जाए तो कुछ अलग से अचीवमेंट हमें दिए जाएंगे तो कैन यू इमेजिन कि क्या होता सीन वहां पे कितना कंपटीशन हो रहा होता आप लोगों के बीच में या जहां पे भी हम प्रोग्राम में जा रहे होते तो कहीं हमारे किस सिचुएशन में हमने क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यूज करना है कहां पे हमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यूज करना है यह तय करना पड़ेगा कि कहां पे किस चीज की इंपॉर्टेंस है अभी फेस टू फेस भी रहते हैं तो हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो हेल्दी uh, ग्रुप्स रहते हैं एक दूसरे से अच्छा इंटरेक्शन होता है एक सपोर्टिव रहता है हम एक दूसरे से uh, अच्छे रिलेशन बिल्डअप होते हैं और वो ऐसे रिलेशन होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं प्रोफेशनल uh, रिलेशनशिप्स होते हैं तो ये अगर कहीं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग हो जाए ये जो अकेडमिक स्टाफ कॉलेज में टेस्टिंग होती है तो इसमें क्या सीन होगा यू कैन इमेजिन कि क्या क्या कंडीशन बनेगी कि वहां से उसको अगर फर्स्ट मिला तो क्या होगा समझो जो फर्स्ट आने वाला होगा उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट प्रमोशनशिप या कुछ भी हो तो क्या इन्वायरमेंट बनेगा किस तरह का माहौल होगा यहाँ पे जब हम एक महीने दे रहे होंगे अभी यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी की भी कॉपी चोरी नहीं होती किसी के भी नोट्स चोरी नहीं होते हैं आराम से सबकी सब, सब चीजें पड़ी रहती हैं अब मैं पीछे जाती तो मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया नॉट इम्पॉर्टेंट हम हमें वहां पे रैंकिंग करनी होती है और रैंकिंग करने के साथ साथ जो हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो अडॉप्ट करते हैं उस स्टैंडर्ड टेस्ट को बनाने में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कैसे Uh, एक अच्छा नॉम रेफरेंस टेस्ट वो कहलाता है जिसमें जब स्कोर्स आए तो स्कोर्स के अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो वो ग्राफ के स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे कैसे uh, ग्राफ में आप देख रहे होंगे सेंटर में मीन है और मीन से uh, प्लस सिग्मा थ्री सिग्मा तक एक तरफ uh, लाइंस हैं और एक तरफ मीन से uh, वन टू माइनस थ्री सिग्मा तक लाइन है जो बीच का प्लस सिग्मा प्लस वन सिग्मा से माइनस वन सिगमा का एरिया है जहां पे एक तरफ थर्टी फोर पॉइंट और एक तरफ थर्टी फोर पॉइंट केसेज है ये सिक्सटी के एट पॉइंट टू सिक्स केसेज जो होते हैं ये एवरेज होते हैं अगर एक अच्छा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लिया जाए किसी ग्रुप पे आउट ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स तो वहां पे जो स्कोर होंगे वो आपके सिक्सटी एट परसेंट स्टूडेंट्स के स्कोर क्या होंगे एवरेज स्कोर आएंगे इसी के साथ अगर हम देखें एक साइड जो पॉजिटिव साइड है सिग्मा सिग्मा से थ्री सिग्मा के और बिल्कुल इसी के जैसा आपको 16 और मिलेंगे जो माइनस वन सिग्मा से लेकर माइनस थ्री सिग्मा के बीच एरिया के हैं जो आपके लो अचीवर्स होंगे वो उस अचीवमेंट टेस्ट पे या उस पर्टिकुलर टेस्ट पे कम स्कोर करेंगे तो जब भी एक अच्छा नॉम रेफरेंस टेस्ट बनता है तो उसके अगर रिजल्ट्स को आप प्लॉट करके देखिए तो प्लॉट करके ये रिजल्ट्स मिलते हैं अगर ऐसे रिजल्ट्स हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो नॉम रेफरेंस टेस्ट जो बना है वो बिल्कुल सही बना है अगर ये कर्व स्क्यूड होता है इट पॉजिटिव डायरेक्शन में स्क्यूड हो या वो निगेटिव डायरेक्शन में स्क्यूड हो तो अगर ये वन सिग्मा से थ्री सिग्मा मतलब पॉजिटिव साइड में स्क्यूड होगा मतलब अधिकतर लोग ज्यादा स्कोर करेंगे तो कहने का मतलब है वो टेस्ट इजी है जो कि सही नहीं है और अगर वो निगेटिव साइड में स्क्यूड होगा मतलब कि अगर माइनस थ्री सिग्मा से माइनस वन सिग्मा की तरफ इसका आ, कर्व चला जाए टॉप पोजीशन चली जाए तो इस कंडीशन में वो टेस्ट पेपर बहुत टफ पेपर कहलाएगा तो इन जनरल जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है वो ऐसा बनना चाहिए जिसमें ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसको एनपीसी बोलते हैं ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है और इसका स्लोप इस तरह से होता है कि 68% परसेंट केसेस बिड में और एक्सट्रीम में 16% परसेंट अब एवरेज और 16% परसेंट बिलो एवरेज ऐसी अपियरेंस हमें इस कर्व की मिलती है अब Uh, मान लिया आपने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया और उस पर इस तरह का कर्व नहीं मिल रहा है तो उसको एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनने करने के लिए हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के डिस्ट्रीब्यूशन को फुलफिल करे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉम रेफरेंस टेस्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फॉर द स्कोर्स तो शायद कुछ बात समझ में आई होगी अभी एक तो 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 प्लॉट करके देखा ही नहीं कि होता है कि नहीं नॉर्मल हम तो सीधे से क्वेश्चन पेपर बना देते हैं भेज देते हैं और एग्जाम ले लेते हैं अगर कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा जाना हुआ पेपर तो भी बना देते हैं एग्जाम हो जाता है तो मैडम ऐसी बात कर क्यों रही है करेक्ट एग्जैक्टली exactly, जो टेस्ट बनाने के जो पैरामीटर होने चाहिए जो फुलफिल करने चाहिए वो हम अपने सिस्टम में नहीं फुलफिल करते हैं और उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे इवेल्यूशन प्रैक्टिस में चल रहे हैं जो एजेंसीज हैं जो स्पेशली टेस्ट प्रोसेस बनाने के लिए हैं और वो उस काम पे सीरियसली उसको सीरियसली करती हैं वो इन पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं ठीक है अभी एग्जाम्पल आगे डिस्कस करूंगी तो दिस इज अबाउट द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट सेकेंड वन इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इट इज यूज टूटेन एंड इंडिविजुअल यहाँ पे ग्रुप बिहेवियर नहीं देखना है ग्रुप में कोई रैंकिंग नहीं देखनी है यहाँ पे जो किसी भी इंडिविजुअल का जो स्टेटस है जो गोल्स डिसाइड किए गए थे जो बिहेवियरल आउटकम डिसाइड किए गए थे उसमें उसने कितना अचीव किया है केवल ये मैटर करता है जैसे आप लोगों का जो इस, आ, है स्ट्रक्चर इट इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग अब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग को अगर थोड़ा सा और समझना हो तो यहाँ पे क्या क्या होता है एक कोई इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं आपको पहले ही वो क्लियर होते हैं कि दीज आर द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड पोस्ट इंस्ट्रक्शनल लर्निंग आउटकम जब हमने इंस्ट्रक्शन दे दी तो उन इंस्ट्रक्शन के बाद आपका एक एक्सपेक्टेड लेवल क्या है कि हमें ये बाद में आ, मिलना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स में एक्सेप्टेंस साथ साथ देंगे ओके हाँ, okay, और यह किस लेवल तक हमें डिजायर्ड है कि इस लेवल तक सक्सेस होनी चाहिए तो अगला यही है कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट कितना हमें अचीव कितना भी लेवल है किसको कि हमें अचीवमेंट की कैटेगरी में रख लेना जैसे आप लोगों की ग्रेडिंग में तय है कि इतने तक होगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा पास वाला सर्टिफिकेट मिलेगा अगर उसके नीचे है तो फेल हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस वाले लेवल पे पहुंचेगा जहां पे फेल वाली कंडीशन आएगी

कोऑपरेटिव क्लासरूम एटमोस्फियर बनाने में मदद करता है आपने अभी मैंने एग्जाम्पल दिया दोनों समझ सकते हैं एक वो वाला मामला है और एक जिसे आप लोगों का क्लास का मामला तो वहां पे कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है क्लासरूम में और यहाँ पे क्या है कोऑपरेटिव क्रिएट किया जा सकता है दूसरा क्या इट अज्यूम्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्म रेफरेंस के लिए आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करना है जबकि यहाँ पे किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशन नहीं रखा जाता है इन नॉम रेफरेंस टेस्टिंग स्मॉल ग्रुप स्टैटिस्टिक्स इज ए प्रॉब्लम जब हम किसी बड़े ग्रुप पे काम करें तभी हम नॉम uh, रेफरेंस के लिए अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स निकाल पाते हैं जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस में स्मॉल ग्रुप भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है uh, जो नॉम रेफरेंस है ये बेस्ड है कि अज्यूम्स दिस क्लास लाइक ऑल अदर्स अगर वही कंपेरिजन एंड रैंकिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस में डिफिकल्ट टू नो जस्ट वेदर टू सेट क्राइटेरिया हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जैसे अभी मैडम से आप पूछिए कि कौन सा बैच अच्छा था कौन सा नहीं अच्छा था तो मैडम ये नहीं बताएंगी हर एक बैच में कुछ अपनी क्वालिटीज थी और किसी का कुछ तरीका अलग था किसी का कुछ तरीका अलग था तो वहां पे हमने ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि ये बैच अच्छा था या ये बैच बुरा था लेकिन नॉर्म रेफरेंस में क्या हो अगर जैसे मान लिया एक बैच पे हमने टेस्ट लिया तो नॉम रेफरेंस टेस्ट था तो नॉर्मल ही था तो मैडम बता सकेंगे कि नहीं उसमें नाइनटी एट परसेंट हाइएस्ट गया था और अभी अगले वाले बैच में तो मैडम केवल गया दैट्स मीन की दैट दैट वेरी 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 बैच 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 इज मच फ्रॉम और दिस ऐसा कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह का कंपेरिजन नहीं है पहले वाले ग्रुप से या बाद वाले ग्रुप से आ, ये थोड़ा सा एक ग्रेडिंग का स्ट्रक्चर है कि कैसे हम एनपीसी पे देखते हैं नॉम रेफरेंस को तो नंबर ऑफ केसेस को अगर बताएं ए बी सी डी ई के टर्म्स में तो ये वही है माइनस वन सिग्मा टू प्लस वन सिग्मा वाला केस है और यहाँ पे जो इनफाइनाइट है वो थ्री सिग्मा के ऊपर वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ केसेस दिखाए गए हैं 1.5 टू इनफाइनाइट क्योंकि वो जो कर्व होता है एक बार इसको दिखा देती हूँ फिर से ये कर्व आपके एंड्स को कभी भी टच नहीं करता है तो थ्री सिग्मा के आगे भी जो लाइन है वो ओपन है तो इसको हम थ्री सिग्मा तक ही ना लिख के इनफाइनाइट तक लिख देते हैं ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है जितने भी केसेस यहां पे हो सकते हैं तो उनको हम अज्यूम करेंगे तो वही यहाँ पे स्टेटस बताई जा रही है कि 1.5 टू इनफाइनाइट 7 केसेस फिर 0.5 टू 1.5 24 केसेस और माइनस 0.5 टू 0.5 इस 38 केसेस माइनस 1.5 टू 0.5 24 केसेस एंड अगेन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट साइड टू माइनस 1.5 सिग्मा एरिया देर इज 7 ऑफ केसेस एंड वी कैन असाइन ग्रेड वैल्यू अकॉर्डिंगली इन क्राइटेरियन रेफरेंस आपने रेंज ऑफ मार्क्स सेट कर लेना है केवल आपको कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करना है कोई भी प्लस थ्री सिग्मा से माइनस थ्री सिग्मा या प्लस uh, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट टू हमें कोई भी रेंज नहीं फिक्स करनी तो हमें क्या करना है केवल हमें मार्क्स की रेंज बना लेनी है और उसमें जैसे टू है सपोज ग्रेड ए सिक्स टू सेवेंटी फोर ग्रेड फोर फोर्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन ग्रेड थ्री थर्टी थ्री टू फोर्टी फोर एक ग्रेड हमने केवल एक रेंज बना ली मार्क्स की वो मार्क्स कब मिलेंगे जब हम ये ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं वो पूरे करते हुए उनको क्वांटिफाई करते हुए लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे ग्रेडिंग कर लेंगे तो यहाँ पे हमें किसी भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की स्टैटिस्टिक्स को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है सो अल्टीमेट मैसेज फ्रॉम दिस टू टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ टेस्ट मेरा कहना यह है कि अगर हम जो नॉम रेफरेंस टेस्टिंग हमारे स्कूल्स में रेगुलरली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें येटिव इन्वायरमेंट इस तरह की इंसिडेंट्स जो मिल रही है क्राइम बच्चों के बीच में बढ़ रहा है टीचर्स के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं या उनके अंदर एक मेंटल स्ट्रेस है उसको अगर रिप्लेस करते हुए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग को यूज करें तो कहीं ना कहीं हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर पाएंगे और जो अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट शन तो हम वो भी एबिलिटी डील करें जो आपकी आगे लाइफ के लिए जरूरी है और आदर जन की क्लास में एक खाली आपका नंबर अच्छा आ गया तो वो नंबर अच्छे आने से ही आपका सब कुछ हो गया अब भी अगर आप अपने ग्रुप में एनालाइज करें तो ये जरूरी नहीं होता कि क्लासरूम में जो टॉप करता है जो हंड्रेड uh, जो सबसे ऊपर जिसके मार्क्स होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल ही हो आप अपने एरिया uh, से देख सकते हैं कि मैटर ऑफ सक्सेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मार्क्स इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्किल्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ वैल्यूज यू हैव इट डिसाइडेड वट लेवल यू आर गोइंग एंड वट इज द tolerance लेवल ऑफ योर स्ट्रेस मान लिया बहुत बड़ी बड़ी पोजिशन पे पहुंच गया मान लिया कोई बच्चा आई आई टी क्रैक करके वहां पर पहुंच गया एग्जाम ले लिया लेकिन अगर उसके अंदर वो टॉलरेंस ही डेवलप नहीं हुई है कि अभी वो सुसाइड कमिट कर रहा है ड्यू टू तो लो इंटरनल मार्क्स तो अभी भी हमारा सिस्टम क्या है फेल है तो हमें ये देखना है कि बच्चे के अंदर टॉलरेंस हो जो जरूरत है आज की सोसाइटी की टू डेवलप एज हेल्दी ह्यूमन बींग सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है रादर देन एनी प्रैक्टिस अब ये जो इवेलुएशन है इवेल्युएशन का रिजल्ट जो है इट इज फीडबैक मेकेजम तो इवेलुएशन के बाद फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फीडबैक जनरली जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए ही रखते हैं उसको साथ साथ हमें एज अ टीचर भी उसको यूज करना चाहिए और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है तो हमें जो इवेलुएशन के रिजल्ट है उनको क्रिटिकली देखना पड़ेगा और हमें कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है वो भी मैसेज हमें वहीं से मिलता है स्टूडेंट्स के लिए हम यूज ही करते हैं फॉर द ग्रेडिंग एंड फॉर प्रोमोशन इन नेक्स्ट क्लास और एनी सर्टिफिकेशन और एक्सेट्रा यूज ऑफ इवेलशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर भी इवेल्युएशन का यूज करते हैं स्ट्रैटेजीज को चेंज करने के लिए या टीचर्स के जो रिकॉर्ड हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो इवेल्युएशन का रिजल्ट यूज करते हैं फीडबैक uh, मैकेनिज्म इवेलुएशन uh, के बाद फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक जैसे भी सबको फीडबैक uh, मिलता है तो जनरली प्रमोशन वगैरह के समय में क्या हो जाता है एक है एक लाइन लिख दिया वो नहीं आप जब फीडबैक दे रहे हो तो भी आप बहुत क्रिटिकल हो जाए फॉर स्टूडेंट्स या अगर आपको कोई देने वाले हैं तो वो भी उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को भी उनके अचीवमेंट्स और उनकी कमियों के बारे में बताएं उस हिसाब से उनको फीडबैक दें जिससे कि वो इम्प्रूव कर पाएं साथ ही साथ अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में हैं तो अगर आप टीचर्स को भी फीडबैक दे रहे हैं तो फिर भी इस वर्ड से बचिए व्हाट इज द सेटिस्फैक्ट्री आप उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी मेंशन करिए और जो कमियां हैं उनको भी मेंशन करिए जिन पे की काम करने की जरूरत है जिन एरियाज को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो इसमें जो सेटिसफैक्ट्री वर्ड है ये बहुत खतरनाक है इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं रह जाता तो हमें इससे बचना चाहिए अब हम अगले स्टेप पे आएंगे कि अगर हमें एक अचीवमेंट टेस्ट बनाना है नॉर्मली हम टीचर हैं तो हम हमेशा रेफरेंस टेस्ट हमें यूज करना होता है जिसको कि हम यूज करके अचीवमेंट के लिए मेजर करने के लिए रखते हैं तो उसको बनाने में हमें किन बातों का ध्यान में रखना है जिससे कि हम एक अच्छा टेस्ट बना पाए तो अब मैं वो स्टेप्स डिस्कस करने वाली हूं आप लोगों से तो uh, कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हमें एक क्वेश्चन पेपर को बनाते समय ध्यान में रखना है तो सबसे पहला स्टेप है डिसीजन ऑन द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर तो इन जनरल हमें इस पर डिसीजन नहीं लेना पड़ता है क्योंकि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है या हमारे कॉलेज में पहले से यह तय होता है कि किस किस तरह का पैटर्न होगा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या स्मॉल वन होंगे स्मॉल आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इस तरह के अगर क्वेश्चन होंगे कितने कितने कैसे होने होंगे इन जनरल ये सब प्री डिसाइडेड होता है तो हमें इस पे कुछ करना नहीं पड़ता हमें क्वेश्चन पेपर की डिजाइन के बारे में नहीं सोचना पड़ता है ये फिक्स होता है पहले से ही और अगर ये नहीं फिक्स है तो हम इसको फिक्स करते हैं पहला स्टेप यही है कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह का चाहिए कंप्लीटली uh, एमसीक्यू होगा या इसमें सब तरह के क्वेश्चन होंगे कुछ मल्टीपल चॉइस होंगे कुछ मैचिंग टाइप होंगे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप होंगे ये सब आप तय कर लेते हैं कि हमें किस तरह का क्वेश्चन पेपर चाहिए सेकेंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ ब्लू प्रिंट तो ये ब्लू प्रिंट क्या है ये अभी अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे ब्लू प्रिंट एक कंप्लीट पिक्चर होती है एक स्ट्रक्चर में हम ये पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली हमारा जो टेस्ट पेपर बनेगा उसमें हमारे क्या क्या चीजें होंगी और किस तरह से उसको ब्लू प्रिंट को देख करके ही हम पूरे टेस्ट पेपर के बारे में आपको बता सकते हैं नेक्स्ट प्रेपरेशन ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर Uh, हमेशा हमें अगर हम मान लिया किसी भी संस्थान में है जहां पे हम कोई नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं या हमें कोई एंट्रेंस टेस्ट लेना है तो इन जनरल प्रैक्टिस क्या होती है कि जैसे बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर तो उनको पैटर्न पता होता है कि ये इस इस तरह से पैटर्न होगा और वो उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन उन केसेस में जहां पे कोई पैटर्न नहीं है या कोई भी कोर्स नया लॉन्च हुआ है और वो पहली बार उसका मान लिया एग्जाम हो रहा है तो वहां पे इस स्टेप की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जरूर बनाना चाहिए और उसको बिटवीन द स्टूडेंट जरूर शेयर करना चाहिए आ, उसको आप संस्थान की वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं जिससे कि बच्चे को ये आइडिया रहे कि एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस तरह का होगा हम जब भी आ, बात करते हैं नए प्रोग्राम में किसी भी बच्चे को बुलाते हैं और उसको आ, ओरिएंटेशन करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारा जो पहला टारगेट होता है तो बच्चे को हम सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर बताते हैं कि आपको ये ये करना है साथ ही साथ हम पहले दिन ही यही बता देते हैं कि आपका जो इवेलशन का पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा हमारे यहाँ तो हम पे थर्टी का हम एक्टिव पार्टिसिपेशन अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कोर्स ऑन वेरियस अचीवमेंट टेस्ट ये सब हम डिसाइड करते हैं और उसका थर्टी परसेंट वेटेज रहता है तो हमने डे वन को सब कुछ बता दिया कि आपका सेवेंटी थर्टी का रेशियो है ये चीजें पढ़नी है एग्जाम ऐसे होगा इतनी क्लासेस हो जाने के बाद जनरली एग्जाम होते हैं तो अब ये सारी बातें या तो आपने बता दिया या उसके पास पहले से क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस के अवेलेबल है या नहीं है तो आपको कोई नई संस्थान के लिए कोई एग्जाम प्रिपेयर करना है किसी नए कोर्स के लिए करना है तो आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जरूर बनाना है जिससे बच्चे को ये पता रहे कि कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से कैसे कैसे आ सकते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन होगा आपके क्वेश्चन पेपर का उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मार्किंग स्कीम जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चन पेपर बनाने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक मार्किंग स्कीम प्रिपेयर करें होता क्या है जब जनरली अः एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए एक स्कोरिंग की बनाई जाती है जिसको कि हम स्कोरिंग की बोलते हैं इन जनरल लेकिन जब सब्जेक्टिव टाइप के आपके एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स वहां लिखे जाने होते हैं तो वहां पे किसी भी तरह की स्कोरिंग की नहीं दी जाती है जिसकी वजह से कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि जो डिफरेंट एग्जामिनर्स हैं एक ही क्वेश्चन पेपर पे जो डिफरेंट रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स के अगर वो चेक करते हैं तो उनके मार्क्स में बहुत वेरिएशन आ जाते हैं तो अगर हम मार्किंग स्कीम बना रहे हैं और मार्किंग स्कीम में ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनके लिए तो आप मार्किंग स्कीम बनाए ही साथ ही साथ आप जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है या शॉर्ट आंसर टाइप है या लॉन्ग आंसर टाइप है उनके लिए भी मार्किंग स्कीम हमेशा प्रिपेयर करें अब मैं ये जानना चाहती हूँ आप में से कि आप में से आ, कौन कौन लोग हैं जिनकी यूनिवर्सिटी में मार्किंग स्कीम बनाई जाती है क्वेश्चन पेपर के साथ क्योंकि तो मान लिया आपने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया होगा लेकिन एज ए इवेलुएटर तो जाते होंगे तो इवेलुएशन के समय आपको मार्किंग स्कीम मिलती है क्या पार्टिसिपेंट्स हेलो हाँ हेलो हाँ बताइए हेलो मेरा उसके लिए, लेकिन थियोरी के लिए मार्किंग सिस्टम है।, अच्छा, है कौन सी यूनिवर्सिटी से मैं नागपुर यूनिवर्सिटी सर ओके आ, कोई और... मार्किंग सिस्टम कैसा है मैडम वो अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको तो पर्टिकुलर मार्क्स है लेकिन बच्चा जो लिख रहा है उसके कितने स्टेप हाँ। लिखे हो उसके ऊपर कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है थ्योरी पेपर में बट अकाउंट्स अच्छा, के पेपर में कैसा रहता है कि उसने इतना स्टेप किया हुआ है तो फिर उसका मार्किंग रहता है अच्छा वो दिया रहता है ठीक है हाँ। और कोई अपने व्यू रखना चाहेगा शायद कोई नहीं बोलना चाह रहा है सो so, गए क्या सब लोग? हमारा भी थेरी का ही है, है तो. हाँ, तो मैं रहते हैं उनके लिए नहीं, नहीं थेरी रहती है ना तो बच्चों के पूरे मैथ जैसे मार्किंग नहीं कर सकते हम लोग स्टेप के ऊपर बस आप जाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है नहीं जाते नहीं है एक बार बताया था हमारे सर लोग कॉपी चेक करने का क्या तरीका है मतलब कॉपी चेक करने आप लोग जाते हैं ऐसे एग्जामिनर यस नहीं नहीं जाते ठीक है और मैडम एक और चीज ऐसा बोलना चाहूंगा मैं जो मार्किंग हाँ। सिस्टम आप थ्योरी की बात कर रहे हैं जैसे आ, कुछ आ, नेशनल लेवल के पेपर्स होते हैं लाइक एनसीसी के पेपर्स होते हैं कॉमन सब्जेक्ट वगैरह के उसमें मार्किंग सिस्टम एग्जेक्ट दिया रहता है मैडम उसमें थ्योरी पेपर uh, में भी यानी आपने इतने स्टेप लिखना ही है उसके इतने मार्क हम है हमने ये नहीं देखा है कि हमें जब हम एज ए एवेलुएटर जाए एग्जामिनेशन सेंटर पे तो हमें वहां पे मार्किंग मार्किंग सिस्टम स्कीम मिले क्योंकि जनरली हमारे यूनिवर्सिटीज में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं एमसीक्यू की एमसीक्यू के साथ तो एमसीक्यू के लिए तो चलो हमारे पास रहती है कि कि इसका ये सही है इसका ये सही है इसका ये सही है, ये सही है लेकिन बाकी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कोई की अवेलेबल नहीं रहती इन जनरल यही है तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि इस वजह से भी हमारी इवेलुएशन प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको जीएनयू का केस है वहां पे एम और पीएचडी के लिए इंट्रेंस टेस्ट का प्रोविजन है रिटर्न एग्जामिनेशन का तो एक बार एक इंसिडेंस आई कि और इन uh, जनरल जब क्वेश्चन पेपर चेक कराते अभी भी जो मैं आपको इसका एमसीआई का बता रही हूँ तो एमसीआई में मैं यहाँ पे uh, जो सेंटर है उसकी इन्वेजिलेटर हूँ उनके एग्जामिनेशन पैटर्न की तो वो लोग भी क्या करते हैं मेडिकल काउंसिल में एक कॉपी को uh, दो एग्जामिनर चेक करते हैं पहले एक कॉपी uh, को एक एग्जामिनर चेक करता है वो मार्क्स देता है फिर उसके बाद दूसरा एग्जामिनर उसको चेक करता है वो भी मार्क्स देता है पहले और दूसरे के मार्क्स पहले हटा लिए जाते हैं फिर उसके बाद अगर कोई कंट्रोवर्सी आती है तो फिर थर्ड एग्जामिनर उस मार्क्स को को चेक करते को चेक करते करते हैं कॉपी हैं और फाइनलाइज किया जाता है है कोई भी ना हो तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस और इंट्रेंस एग्जाम में जो मैं आपको किस्सा बताने जा रही हूँ वो एम का बताने जा रही हूँ वहां पे क्या हुआ एक एग्जामिनर को पहले एक बंडल कॉपी का दिया गया उसने उस उसपे मार्किंग करी और uh, फिर उसके बाद बाईचांस uh, चांस uh, दो तीन दिन बाद

और जो दोबारा जो मार्क्स दिए उनमें खुद में बहुत बड़ा अंतर था तो अब थर्ड एग्जामिनर की बात आती है जैसे मैंने एमसीआई का बताया कि यहाँ पे भी ये रेगुलर प्रैक्टिस है इवन uh, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स है उनके लिए भी ये होता है अब आप बताइए कि एक ही एग्जामिनर चेक कर रहा है और दोनों मार्क्स में इतने ज्यादा डिफरेंसेज uh, तो कि थर्ड एग्जामिनर की बात आ गई तो जब चेक किया गया तो पता चला दोनों तो नाम वही है एक ही एग्जामिनर एक ने चेक किया है तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है एक ही एग्जामिनर ने पहले एक कॉपी पे कुछ मार्क्स देता है फिर उसके बाद दोबारा कुछ और मार्क्स देता है आंसर की नहीं रहने के कारण मैडम ऐसा ही होने वाला है अगर हमने ही एक ही पेपर खुद दो बार करेंगे तो वैसा ही डिफरेंस आने ही वाला है क्योंकि क्यों? हम कभी ज्यादा दे देते हैं और आपकी हाँ. सब्जेक्ट पूरी तरीके से वहां पे काम करती है जैसे कि मैं पहले सेशन से बता रही हूँ कि हम लोग तो बहुत आइडियल होते हैं हम तो गलतियां करते नहीं है लेकिन हमारी गलतियां जो होती है वो कभी कभी इस तरह से ब्लंडर की तरह निकल के आती है ना? पता चलती है तब तो उस समय ये देखने को मिला कि साहब ने इतना डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर वहाँ पे एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम होती तो ये गलती नहीं होती जो एग्जामिनर थे वो किसी भी मूड में होते लेकिन वो किसको फॉलो करते मार्किंग स्कीम को फॉलो करते दोनों सिचुएशन में दोनों के मूड में डिफरेंसेस रहे होंगे इस वजह से दोनों आंसर्स को उन्होंने अलग अलग तरीके से ग्रेड कर दिया या सीरियसनेस नहीं रही होगी मार्किंग में उसको अलग अलग ग्रेड कर दिया लेकिन हम ये सारी बातें नहीं कहेंगे क्योंकि टीचर्स हम हमेशा सीरियस होते हैं हम बिल्कुल सब कुछ ठीक करते हैं हम तो केवल एक ही बात बोलेंगे ड्यू टू लैक ऑफ मार्किंग स्कीम ये गलती आई इसलिए मार्किंग स्कीम का बनाया जाना बहुत जरूरी है और आप लोग जब भी जिस रोल में जाए अगर आप एग्जामिनर के रोल में है आपके पास क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए आता है तो बी इनिशिएटिव आपको क्या करना है आपको अपनी तरफ से एक मार्किंग स्कीम बना के देनी है कि कम से कम जिस यूनिवर्सिटी में आपका पेपर जाए तो वहां पे भी लोगों को समझ में आए की हाँ जैसा भी कुछ होता है या अगर आप एग्जामिनर के रोल में तो जो हाँ प्लीज हाँ मुझे अभी मनागपुर यूनिवर्सिटी से बी का पे, पेपर सेट करने के लिए आया तो मैंने अपनी मार्किंग स्कीम दे दी थे पेपर है हाँ, फिर भी डेफिनेशन के लिए इतने टाइप्स के लिए इतने ऐसे मैंने डिवाइड करके मार्किंग स्कीम जो है वो पूरी हाँ। प्रेजेंट करिए यूनिवर्सिटी हाँ। को लेकिन हर कोई नहीं देता मैडम अगर सभी ने दिए ना तो थोड़ा सा एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि कितने मार्क्स देने करके वही मैडम यही मैं कह रही हूं कि हम अपने लेवल से इनिशिएट करें तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सब लोग आप ठीक है आप एजुकेशन के फील्ड से हैं आप बीएड के लिए आप इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस जानती हैं तो आपने अपने साइड से बना के दिया लेकिन इन जनरल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे और भी कोर्सेज है वहां पे उस तरह के टीचर्स नहीं है जिनको ये बात नहीं पता है तो वो क्या कर रहे हैं उसकी मार्किंग स्कीम नहीं बना रहे तो हमारा काम ये भी है कि हम दूसरे लोगों को भी प्रमोट करें और जब एज ए इवेल्युएटर भी हम जाए तो मार्किंग स्कीम को मांगे भी तो सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूं कि बिना मार्किंग स्कीम को मांगे हुए भी आपने अपने साइड से मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करी जिसमें कि उसको ही देख के कल को वो दूसरे सब्जेक्ट वालों से भी मार्किंग स्कीम मांगे और अगर वहां पे आप जा रहे हैं उस रोल में जब आपकी आपको खुद ही स्कीम पे मांगनी है तो आप मार्किंग, मांगेंगे, तो भी उनको लगेगा कि कुछ मार्किंग जैसा होता है जो हमें प्रोवाइड कराना चाहिए अब ये क्यों जरूरी है हम इतना हेडेक क्यों ले तो आपको मैं बता दू कि वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग बिल्कुल इस इवेलुएशन प्रोसेस से इस एग्जामिनेशन उससे बाहर कर दिए जाएंगे क्यों क्योंकि अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को भी चेक कर लेंगे कैसे आ, जैसे आप लोगों ने वो प्लेगरिज्म वाला सॉफ्टवेयर समझा है कि वो क्या करता है वो उन वर्ड्स को रीड करता है जो क्या किए गए हैं वो रिपीट किए गए हों तो जब हमारे पास एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम होगी तो उसमें हम कीवर्ड लिख रखे होंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं जब वो मशीन में वो कीवर्ड एंटर कर लिए जाएंगे तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो उसकी भी मार्किंग कर ले तो जैसे कि अभी हम ऑब्जेक्टिव से तो पूरी तरह से बाहर हैं, वहां पे तो हमारा कोई रोल होता नहीं है क्योंकि हम इतने सेंसियरली वो काम कर नहीं सकते तो हमें कंप्लीटली फ्री किया गया है बाहर किया गया है अब वो भी दिन दूर नहीं है कि हम अपने इन सब जो हम करते हैं जो उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसकी वजह से हम इस सिस्टम से भी बाहर कर दिए जाएंगे और ये काम भी एक मशीन ही करेगी विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और उसमें कुछ नहीं करना है उसमें खाली उसकी एक की uh, पॉइंट्स जो होंगे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग वो लिखे होंगे और उसके बेसिस पे वो सब्जेक्टिव पेपर uh, को भी इवेल्युएट कर लेगा जरूरी क्यों है मार्किंग स्कीम देना क्यों क्योंकि मान लिया एक यूनिवर्सिटी में एक पेपर किसी ने बनाया अब उसमें 400 कॉलेजेस में उसी को एडमिस्टर होना है तो कम से कम पेपर बनाने वाला अपने जो आंसर की जो डिमांड है वो अगर वहां पे मेंशन कर दे कौन कौन से स्पेसिफिक की वर्ड वहां पे होने चाहिए अगर वो उनको मेंशन कर दे तो चेक करते समय लोग उन को ध्यान रखेंगे और उसके बेसिस पे आंसर चेक करेंगे ना कि वो नंबर ऑफ पेजेस या जल्दी जल्दी में या कुछ भी और कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी भी हमारी इंश्योर होगी कि हम बाद में भी हमें ये देखना होगा कि अगर हमने इस पे इतने मार्क्स दिए हैं ज्यादा तो क्यों दिए हैं या कम दिए हैं तो क्यों कम दिए हैं तो हमें ये भी जस्टिफिकेशन देना होगा तो वो मार्किंग स्कीम हमारे सामने रहनी चाहिए तो ये तो बात हो गई थी मार्किंग स्कीम की और ये हमें एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार करनी भी चाहिए और मांगनी भी चाहिए तरीका क्या होगा वो भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद अगला जो स्टेप है आपका क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए दैट इज द एडिटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसकी प्रॉपर एडिटिंग कर ला लें उसमें कहाँ पे कोई गलतियां तो नहीं छूट गई हैं देख लें दोबारा चेक कर लें कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक करा सकते हैं देन लास्ट में रिव्यू द क्वेश्चन पेपर अगेन एक फाइनल आप उसमें देख लीजिए कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है क्या उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो फिट है जो उसका डिफिकल्टी लेवल है वो ठीक है मतलब उसका कर्व अगर आएगा तो वो नॉर्मल कर्व ही आएगा ऐसा तो नहीं है कि वो स्क्यूड होगा ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर होगा या ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर होगा कुछ ऐसा तो नहीं है इन सारे चीजों के बारे में एक जनरल रिव्यू आपको कर लेना है अब मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे अ ब्लू प्रिंट बना सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं जो हमें बनाते समय फॉलो करने हैं। क्या करना है सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आपको ये तय करना है कि जो अलग अलग यूनिट्स हैं जो कोर्स स्ट्रक्चर था उस यूनिट से आपको कितना कितना वेटेज देना है जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि, कि किसी क्वेश्चन पेपर में छ यूनिट हैं और उन छह यूनिट से अ यूनिट वन से टेन परसेंट फिर ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टीन परसेंट इस तरह से वेटेज दिया गया है तो किसी यूनिट को कम वेटेज है और किसी यूनिट को ज्यादा वेटेज है अब ये वेटेज कैसे तय होगा ये वेटेज आपके हाथ में नहीं है आप नहीं तय करेंगे इसको डे वन से जब इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर शुरू होती है उस समय से ही तय किया जाना चाहिए और जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर होता है मान लिया क्वेश्चन पेपर एक बनेगा चार सौ में वो पेपर पढ़ाया जाता है तो उस पेपर में ही ये मेंशन हो कि टाइम ड्यूरेशन हर एक यूनिट के लिए कितना कितना है या हर एक यूनिट को वेटेज कितना है तो एक टीचर पढ़ाते समय भी एक यूनिट को उतना ही वेटेज देगा जितना उसको एग्जामिनेशन में आना है तो इट शुड बी प्लान बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर ये आपका केवल जब आप टेस्ट पेपर बनाएंगे तब प्लान नहीं होगा और ये बिल्कुल क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अब हमारा यहाँ रोल कैसे शुरू होगा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ अगर आप स्कूल टीचिंग में देखेंगे तो केवीएस वगैरह के जो शेड्यूल हैं उनमें ये तक भी मेंशन रहता है कि किस मंथ में कौन सी यूनिट चल रही होगी और किस यूनिट के किस सेक्शन पे कितने घंटे की टीचिंग रिक्वायर्ड है बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ वेटेज के साथ जैसे मान लिया कि चार यूनिट हैं 25 परसेंट वेटेज सबको है लेकिन 25 परसेंट में ये भी क्लियरली मेंशन रहता है कि किस किस आ, सब यूनिट पे या सब सब कंटेंट पे कितना कितना वेटेज है और कितने कितने घंटे की टीचिंग किस पे आपको रिक्वायर्ड है डे वन से अब वही आपका क्वेश्चन सारे टीचर्स करेंगे क्वेश्चन पेपर में भी वही फॉलो किया जाना चाहिए जिससे स्टूडेंट को यह पता हो कि किस चैप्टर को हमें कितना वेटेज देना है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन भी तो यहाँ पे क्या होगा जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो जिस तरह से पढ़ा है उस तरह से ही उसमें क्या होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा भी इन जनरल ये नहीं होता है तो आपका रोल क्या है आपको एज अ टीचर जब आप कोर्स पढ़ा रहे हैं उस समय भी जरा एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी से ये मांगना है कि प्लीज गिव द डिविजन ऑफ आर्स फॉर ईच एंड एवरी यूनिट किस यूनिट को कितना जैसे क्रेडिट सिस्टम है मान लिया तो क्रेडिट में मान लिया एक क्रेडिट के लिए हमारे थर्टी आर डिसाइडेड होते हैं फिफ्टीन आर सॉरी डिसाइडेड होते हैं तो अगर चार क्रेडिट का पेपर है तो सिक्सटीन आर घंटे की हमें टीचिंग करनी है वो उस कोर्स कोर्स में में चार क्रेडिट के क्लियरली मेंशन हो जाए कि कितने घंटे कितने घंटे किस क्रेडिट पे हमें देने हैं मान लिया हमारे पास छह क्रेडिट है तो साठ क्रेडिट के लिए हर क्रेडिट को दस दस घंटे देने हैं या किसी को पांच घंटे देने हैं किसी को पंद्रह घंटे देने हैं किसी को बीस घंटे देने हैं अलग अलग किस तरह से देना है वो बिल्कुल क्लियरली हो और वही पैटर्न आपका एग्जामिनेशन पेपर में भी आए तो भले पूरी यूनिवर्सिटी के लिए कोई दो एग्जामिनर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया लेकिन रिसर्च के, के एक होता है थ्योरी रिसर्च का एस्पेक्ट और दूसरा होता है जहां पे एनालिसिस एंड कैलकुलेशन वगैरह की बात करते हैं तो मैंने जब एक बार पेपर देखा तो मेरा इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ था तो मुझे लगा कि ये सब तो ठीक है थ्योरी तो लिख ही लेंगे लेकिन इसपे थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो उसमें जैसे एनपीसी एनपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन कोरिलेशन रिग्रेशन ये सारा कुछ बड़े मेहनत से पढ़ा इन जनरल जैसे एजुकेशन में लोग इन सबसे चीजों से बचते हैं तो पढ़ लिया कि लगा कि नहीं बहुत अच्छी चीज है और इंटरेस्टिंग है पढ़ लेते हैं और एग्जाम में आएगा तो अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मार्किंग अच्छी होगी सपोज ट्वेंटी मार्क्स का कोई क्वेश्चन हो अगर वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो अगर आपने उसको पूरा सही कर दिया तो उसमें ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी भी मिल सकते हैं लेकिन अगर वहीं पर आप अगर आप थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी एग्जामिनर ट्वेंटी नहीं देता मतलब हार्डली बहुत अच्छा भी दे देगा दे तो आउट ऑफ ट्वेंटी फिफ्टीन मार्क्स तक दे देगा सिक्सटीन मार्क्स तक दे देगा दे तो इस एंगल से प्रिपेयर किया पूछा ही नहीं गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे तो था मिक्सचर होते थे ऑप्शन रहते थे लेकिन इस बार क्या मिला कि कुछ भी नहीं केवल आउट ऑफ हंड्रेड केवल टेन और ट्वेल्व मार्क्स के ही न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे तो this is the basic problem, जो कि हमें address करना है the time of पढ़ा जब हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पे ही कोर्स में क्लियरली जाए कि किसको कितना देना है और इन क्वेश्चन पेपर वो बिल्कुल फॉलो होना चाहिए और जो आपका क्वेश्चन पेपर सेटर हो उसको भी उसकी एक कॉपी निकाल के डिस्पैच कर देनी चाहिए कि आपको भी ये ऑर्डर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर फॉलो करना है शायद आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे और मुझसे एग्री भी होंगे कोई भी क्वेरी जहां पे होगी मुझे वहीं तुरंत आप लोग रोक के पूछ लीजिएगा एक थोड़ा सा बता दीजिए आपकी यूनिवर्सिटीज में कहीं ये हो रहा है फॉलो होता है चार है सपोज क्रेडिट का तो आवर्स तो बाइफर्केशन है क्या हमारे यहाँ पे हम लोग कर रखे हैं बिल्कुल क्लियर बाइफर्केशन हाँ, हाँ मैडम अभी आरटीएम यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस आया है पीजी का तो उसमें Uh, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, अच्छा है।, तो है इंट्रोड्यूस हुई है बस अब आप लोगों को ये करना है कि उसके लिए आप एग्जामिनेशन में भी जरा क्वेश्चन पेपर्स को चेक करिए और अगर उससे वैरी करता है तो ये क्वेश्चन रेज करिए कि हाँ इसको भी इसके इक्विवेलेंस में होना चाहिए ओके okay. uh, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो सबसे पहला काम कि किस किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस लेने हैं कितना कितना वेटेज देना है ये हमें क्वेश्चन पेपर बनाते समय करना है दूसरा जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पे हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे पास पहले से फिक्स होते हैं शायद uh, आप लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ रखी है तो वहां पे नॉलेज कॉम्प्रशन सॉरी जो आपका कॉग्रेटिव डोमेन है एफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है तीन अलग अलग एरियाज हैं उन अलग अलग एरियाज से आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं उस पे आपको कितना कितना वेटेज देना है तो जैसे मान लिया नॉलेज वाला सेक्शन है तो उससे हमें फोर्टी परसेंट वेटेज देना है अंडरस्टैंडिंग से थर्टी एप्लीकेशन से ट्वेंटी और स्किल्स से हमें टेन ये जो बेटेज है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स आपका क्या होगा बदलता रहेगा जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड रहते हैं वहां पे आपका सब कुछ क्या होता है नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट वहां पे सब कुछ क्या है आपका परफॉर्मेंस मतलब आपकी स्किल बेस्ड वेटेज ज्यादा होता है लेकिन मान लिया कोई जैसे आपका लिटरेचर है तो वहां पे नॉलेज आपकी इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप तय करेंगे कि किस किस सेक्शन को कितना कितना वेटेज देना चाहिए तो वो वेटेज पढ़ाते समय भी उतना ही रहेगा उतना ही आपको इम्फेसिस देना है जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट का एग्जाम्पल लूँ तो मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर है जिसको थ्योरी बहुत अच्छी आती है ऐसा सर्जन बन गया वो थ्योरी में बिल्कुल बहुत अच्छा है उसको लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आती थ्योरी मतलब उसको हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली नहीं आती तो क्या वो एक अच्छा सर्जन बन जाएगा कभी नहीं सर्जन के लिए क्या जरूरी है कि भले उसको थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो लेकिन बॉडी uh, पे कैसे काम करना है ये उसको पता हो तो वो एक अच्छा सर्जन होगा क्लियर तो थ्योरेटिकल नॉलेज इज सपोर्ट इट्स बैकबोन लेकिन वहां पे आपको uh, जो स्किल uh, है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग बींग सक्सेसफुल सर्जन तो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया कि किस एरिया का आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं और वहां पे पढ़ाते समय भी किस एरिया पे ज्यादा वेटेज देंगे और किस एरिया पे क्या करेंगे कम वेटेज देंगे लेकिन ये भी प्री डिसाइडेड होना चाहिए पढ़ाते समय भी हमें इन uh, जो डिफरेंट डोमेन्स हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के उनपे जितना वेटेज देना है उतना ही वेटेज क्वेश्चन पेपर में भी हमें रखना है ठीक जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया उसमें नॉलेज को फोर्टी परसेंट अंडरस्टैंडिंग को थर्टी एप्लीकेशन को ट्वेंटी और स्किल को टेन परसेंट बेटे मूविंग टू वर्स नेक्स्ट स्लाइड वेटेज गिवन टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द आइटम अगर हमें खुद ये तय करना है कि क्वेश्चन पेपर हमें बनाना है तो क्वेश्चन पेपर मैं पहले से बोल रही हूँ ना बहुत ज्यादा टफ होना चाहिए ना बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए वो हमेशा एवरेज लेवल का होना चाहिए और अभी मैं बात करूंगी कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस भी अरेंज किए जाते हैं वो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं जो क्वेश्चन इजी होते हैं हम हमेशा ये कहते हैं कि उनको आप क्वेश्चन पेपर में ऊपर रखिए उससे क्या होगा कि बच्चा जब क्वेश्चन पेपर शुरू करेगा तो वो उसको करके मोटिवेटेड होगा और वो आगे की तरफ ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर हो वहां पे इजी क्वेश्चन को रखा जाना चाहिए Easy questions के बाद आपको क्या करना है जो एवरेज क्वेश्चंस हैं उनको रखना है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको क्वेश्चन पेपर में आपको बाद में रखना चाहिए जिससे कि बच्चा एक मोटिवेटेड वे में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करता हुआ आगे बढ़े uh, हमेशा कोई भी टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर हमारा बहुत डिफिकल्ट होगा तो हम बहुत अच्छे टीचर होंगे तो क्वेश्चन पेपर हमेशा एवरेज लेवल का बनना चाहिए जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है तो जो डिफिकल्ट आइटम है वो 25 परसेंट है एवरेज आइटम ट्वेंटी तो फिफ्टी परसेंट है और इजी आइटम भी ट्वेंटी है तो एक बैलेंस है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ एक बार आई, आई जो गेट का एग्जाम कराती है उसका पेपर था तो मैंने देखा कि सेंटर uh, पे पहले वो लोग वो इन्वायमेंट मेंटेन कर रहे हैं कि वो लोग बोल रहे थे कि uh, बिल्कुल किसी को सेंटर पे बच्चा आए तो उसको परेशान नहीं करना है चाहे वो लाया हो या ना लाया हो इट डजेंट मैटर आप बस बच्चे को एक सपोर्टिव इन्वामेंट दीजिए और बच्चे को उसका कमरा कहाँ है उसकी सीट कहाँ है वो सब बताने में प्रॉपरली असेस करिए कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको शॉर्ट आउट कर देंगे वी हैव ऑल द सॉफ्टवेयर वी हैव ऑल द डिटेल रिगार्डिंग स्टूडेंट हम उनको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे चलो ओके okay. बहुत अच्छा लगा मैं उस समय बी में थी तो मुझे ये लगा कि अरे वाह इन लोगों का तो एग्जाम कराने का तरीका बहुत अच्छा है नहीं तो इन जनरल कभी कभी तो सेंटर्स पे जाओ तो अः पता ही नहीं रहेगा कि कहा सिटिंग अरेंजमेंट है फिर परेशान होते रहो ढूंढते रहो समझते रहो कभी इस ब्लॉक में दौड़ो कभी उस ब्लॉक में दौड़ो तो लगा कि चलो ये सब इन एरिया पे काम करते हैं फिर जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि वहां पे तीन घंटे का पेपर होता है और आधे घंटे से एक घंटे के बाद कोई भी बच्चा आपको प्रॉपरली बैठा हुआ नहीं दिख रहा है वो सब क्या करते हैं हेड डाउन करके लेटे हुए हैं तो क्वेश्चन पेपर इतना टफ होता है और निगेटिव मार्किंग भी होती है कि वहां पे क्या है निगेटिव uh, मार्क्स uh, पे भी बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं हम सभी ये सब जानते हैं तो uh, बच्चा गलत इसलिए अटेम्प्ट करता है क्योंकि ज्यादा निगेटिव चले जाएंगे तो और लॉस ही होगा तो जितना आ रहा होता है उतना कर लिया उसके बाद वो शांति से बैठ गया क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आ रहा है करना क्या है तो इस तरह से वो एक टेस्टिंग है वो एक फिल्टर है तो मेरा कहना ये है कि मान लिया वो एक स्टेज है जहां पे हमें वो फिल्टर लगाना है वो जरूरी है तो वहाँ तो ठीक है आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बना लिया लेकिन इन जनरल हमारा जो क्वेश्चन पेपर या जो टेस्टिंग का पर्पज होता है वो बच्चे को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होता हमें बच्चे को मोटिवेट करना होता है और जो इवेलुएशन की प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें ऐसा बनाना होता है कि इट शुड बी टेकन एज फेस्टिवल एक कोई मेंटल बर्डन की तरह ना लिया जाए तो वहां पे ये जरूरी होता है कि एवरेज आइटम्स भी हो इजी आइटम भी हो और डिफिकल्ट आइटम भी हो क्यों क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा कोई स्क्रीनिंग नहीं करनी बहुत बड़ा कोई ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं बनाना जहां पे हम बहुत टफ क्वेश्चन लगा के बहुत कुछ बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करके बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लेंगे ये है ब्लू प्रिंट अब जो मैंने ब्लूप्रिंट की बात करी थी कि ब्लूप्रिंट बना लेने से एक कंप्लीट पिक्चर हमें मिल जाती है कि हमें क्या करना है उसको मैं यहाँ डिस्क्राइब करती हूं आप लोगों के बीच में देखिए पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि एक तरफ यूनिट्स हैं कौन कौन सी यूनिट्स है साइंस का है क्वेश्चन पेपर उसके बाद एक तरफ ऊपर ये लिखा हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन है जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है वन मार्क का है शॉर्ट आंसर टाइप है फिर शॉर्ट आंसर एक दो नंबर का शॉर्ट आंसर है एक दो तीन नंबर का शॉर्ट आंसर है फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि मार्क्स के तो अब किस किस यूनिट से कौन कौन सी चीज लेनी है वो भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है जैसे यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से एट सेवन एट सबसे ज्यादा वेटेज जो यहाँ दिया गया है वो ऑप्टिक्स को दिया गया है देखिए फोर्टीन क्वेश्चन आर देयर आउट ऑफ सेवेंटी सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया गया है वो ऑप्टिक्स को दिया गया है वहां पे चौदह नंबर के प्रश्न आ रहे हैं प्रश्न है, और मार्क्स जो है उनके चौदह तो जब पढ़ाते समय भी टीचर जो है वो पढ़ाएगा भी तो उसको पता है कि ऑप्टिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ऑप्टिक्स से आते हैं तो आपको उस हिसाब से तैयार करना है इस चैप्टर को इतना वेटेज देना है क्लियर सबसे कम वेटेज यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे थ्री मार्क्स का तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है अब हमें पता है कि सेवेंटी नंबर मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से केवल तीन नंबर का आएगा तो अगर बच्चा मान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ पाया या कभी वो एब्सेंट था तो उसको पता है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला एक छोटा सा चैप्टर था और वो मेरा भले मिस भी हुआ है लेकिन उससे क्वेश्चन भी वेटेज कितना रहेगा केवल तीन नंबर का ही रहेगा या वो एबसेंट नहीं भी हुआ लेकिन जब बच्चा मान लिया प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपेयर करते समय बच्चे को अगर पहले से पता है कि ऑप्टिक्स पे सबसे ज्यादा वेटेज है तो भले ऑप्टिक्स आपका सिक्स चैप्टर है लेकिन बच्चे को ये पता है ना कि सबसे ज्यादा इसको तैयार करना है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ज़्यादा नंबर के सवाल इससे आएंगे। तो ब्लूप्रिंट की यही खासियत है कि ब्लूप्रिंट में जो मेजर चीजें हैं जैसे मान लिया किस किस यूनिट को वेटेज कितना कितना है ये पहले से फिक्स होता है और कौन कौन से यूनिट से अब आपको किस किस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं ये आप एज ए टीचर छांट लेते हैं ये आपकी चॉइस होती है और उसको एक मैप बना के एक जगह फिक्स कर देते हैं जिससे कि आप देख ले और हाँ इसमें एक चीज और आपको दूसरी साइड क्लियर हो रही है कि जैसे वेरी शॉर्ट आंसर है आउट ऑफ सेवेंटी तो उनका वेटेज कितना है एट मार्क्स का है ये परसेंटेज नहीं लिखा है यहाँ पे यहाँ पे मार्क्स है और अभी एक दूसरा दिखाऊंगी तो वहां परसेंटेज भी है तो मान लिया शॉर्ट आंसर के वेटेज है तो वो सेवेंटी में ट्वेंटी शॉर्ट आंसर जो तीन नंबर वाले हैं वो कितने हैं ट्वेंटी फोर मार्क्स है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तीन नंबर का ही एक पूछा गया है सत्तर में फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर में पंद्रह नंबर का बेटे है तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं पांच पांच नंबर के हैं तो ये एक कंप्लीट पिक्चर है कि आपका टेस्ट पेपर कैसा होता है अगर इसको देख ले तो हम एक कंप्लीट टेस्ट पेपर कैसा है उसके बारे में बता सकते हैं सेवेंटी मार्क्स का है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थर्टी है वेरी शॉर्ट आंसर आठ है शॉर्ट आंसर दस है फिर शॉर्ट आंसर जो दूसरी कैटेगरी है वो आठ प्रश्न है फिर लॉन्ग आंसर तीन प्रश्न है हर एक प्रश्न पांच पांच नंबर का है तो टोटल फिफ्टीन मार्क्स है ये एक कंप्लीट पिक्चर है जिसको कि हम क्या कहते हैं ब्लू कहते हैं एक दूसरा और एग्जाम्पल है शायद इससे और क्लियर हो जाएगा अगेन वही है कंटेंट एरियाज़ जैसे मान लिया यहाँ पे एरिया फूड फूडी डिजीजे ड्यू टू ओवरटेक ऑफ फूड फूड हिल्स एंड एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ ठीक है food, food diseases, uh, food, food उसके बाद इंस्ट्रक्शनल uh, ऑब्जेक्टिव में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन इन तीन को अलग अलग वेटेज दिया गया है किसको किसको कौन कौन से हैं सप्लाई टाइप क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस टाइप आइटम्स हैं मैचिंग टाइप आइटम्स हैं एंड ट्रू एंड फॉल्स टाइप आइटम है ये कम्पलीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो सप्लाई uh, टाइप जैसे कि मान लिया कि फिलिंग द ब्लैंक्स समझ लीजिए फिर एम सी क्यू हो गया फिर मैचिंग टाइप हो गया और ट्रू एंड फॉल्स टाइप हो गया तो इन सब में नॉलेज से कितना वेटेज है अंडरस्टैंडिंग से कितना वेटेज है एप्लीकेशन से कितना वेटेज है ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है अब कौन सी यूनिट को सबसे ज्यादा वेटेज है एनी कोई देख के मुझे बताएगा कि आउट ऑफ हंड्रेड किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं कि इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाते समय भी फूड एल्ट एल. आप देख रहे हैं कि फोर्टी टू परसेंट वेटेज ये फोर्थ चैप्टर भले है। लेकिन क्लियर होना चाहिए कि 42 वेटेज इसी को है तो हमें क्या करना है सबसे ज्यादा वेटेज पढ़ाते समय इसी को ध्यान देना है उसके बाद आपका डिजीज ड्यू टू ओवरटेक ऑफ फूड तो ऐसा नहीं है कि फूड फर्स्ट चैप्टर है तो उसे सबसे ज्यादा आएगा फिर उसके बाद कम 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 होता चला जाएगा बिल्कुल नहीं इस चैप्टर को पढ़ाते समय इतना वेटेज देने के लिए तैयार उतना ही वेटेज हमें क्वेश्चन पेपर में भी रखना है और ये हमें स्टूडेंट्स को डे वन से क्लियर होना चाहिए अब यहाँ पे अगर हम अलग अलग देखें तो आप एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नहीं किया जैसे नीचे फाइव सिक्स फोर फाइव इट बिकम्स नॉलेज सेक्शन में आपका ट्वेंटी तो कोई कुछ कह रहा शायद माइक आपका uh, हो गया है म्यूट कर लीजिए तो देखो नॉलेज सेक्शन में जो टोटल वेटेज निकल के आ रहा है वो ट्वेंटी परसेंट है तो ये देखो कोई एक दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हमारे सामने है जहाँ पे नॉलेज को कम वेटेज है यहाँ नॉलेज को केवल ट्वेंटी परसेंट वेटेज है नॉलेज से, से उसके बाद ट्वेल्व एट ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब आ, आवाज आ, आ रही है आवाज हाँ, तो तो चेक कीजिए मेरे है आवाज आ, तो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि ये एक ऐसा सैंपल है ब्लूप्रिंट का जहाँ पे हम ये भी नहीं अज्यूम करें कि नॉलेज को ही सबसे ज्यादा वेटेज किया जाएगा यहाँ पे देखिए नॉलेज को केवल ट्वेंटी परसेंट है आ, टोटल नहीं किया गया लेकिन मैं टोटल करके बता रही हूँ फाइव सिक्स फोर फाइव इट्स ओनली ट्वेंटी फिर उसके बाद नेक्स्ट में अंडरस्टैंडिंग में हम देख रहे हैं इट uh, तो नॉलेज को वेटेज है अंडरस्टैंडिंग को फोर्टी परसेंट वेटेज है तो बचा हुआ भी फोर्टी परसेंट किसके लिए है एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग को बराबर बराबर वेटेज दिया गया है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वेरी सब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड इन एप्लीकेशन एस्पेक्ट तो ये जो मैप है ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आप किस एरिया को कवर करेंगे ज्यादा किसको कम करेंगे ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती है और ये अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सब्जेक्ट डिसाइडेड होता है कि आप मैंने पहले भी बताया था कि मान लिया कोई परफॉर्मिंग आर्ट तो वहाँ पे स्किल को देंगे सबसे ज्यादा टाइम वहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ाने में भी और इंपॉर्टेंस दी जाएगी लेकिन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है तो आप वहां परिंट okay? तो जहाँ पे की फिर अलग अलग सेक्शन में किस किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं ये भी लिख, लिख देते हैं हम कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये भी तो ये दो एग्जाम्पल थे जो कि आपके ब्लू को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सफिशियंट अब अगर मैं ये बात करूं कि जब हम टेस्ट पेपर बनाते हैं हमारे पास हाँ, अब हमें करना क्या होता है जैसे हमने ब्लूप्रिंट बना लिया तो ब्लूप्रिंट के बाद हमारा ये स्टेज होता है कि उसके हिसाब से हम टेस्ट पेपर बनाते हैं अब टेस्ट पेपर बना लेने के बाद हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है कि हमने टेस्ट पेपर बनाया और हाँ, टेस्ट पेपर के बनाने के बाद एक मार्किंग स्कीम भी बनानी पड़ेगी तो जो आपके एमसीक्यू टाइप है उनके लिए आपने स्कोरिंग की प्रोवाइड कर दी और जो शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं तो उनके लिए जो वन वर्ड रिक्वायर्ड है या कुछ जो सेगमेंट्स uh, रिक्वायर्ड है उनको आप मेंशन कर दीजिए लॉन्ग आंसर के लिए आप जो वो की वर्ड्स रिक्वायर्ड है आप उनको लिख के क्या लाइन ऑफ एक्शन आंसर का होना चाहिए उसको आप मैंशन कर दीजिए वो सारा आपने जब ऑब्जेक्टिविटी से बना दिया मार्किंग स्कीम उसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता है जैसे शायद आपको भी याद हो मैंने आपसे पहले ये कहा था कि uh, हम डिफिकल्टी uh, वैल्यू भी देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर की तो कैसे देखेंगे तो अगला स्टेज जो हमारा होता है वो ये होता है कि आपने जो टेस्ट पेपर बनाया है उसको आप ट्राई आउट स्टेज में ले जाते हैं ट्राई आउट मतलब कि उसको हमें चेक करना होता है सपोज मान लिया हम एक टेस्ट पेपर बना रहे हैं किसी भी नेशनल एजेंसी के लिए बना रहे हैं या कहीं के लिए तो वो स्टैंडर्डाइज तब बनेगा नॉर्मली जब हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज या कहीं बनाते हैं तो हम कोई भी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं पहले से मैं बता रही हूँ कि कोई एनपीसी का कर्व नहीं फॉलो करते हैं जैसे आ, मैंने आप लोगों को पहले भी जो बताया था कि ये एनपीसी का कर्व फॉलो करना होता है तो हमने तो कभी नहीं आज तक स्टेब्लिश नहीं करा कि ये एनपीसी का कर्व बनता है कि नहीं बनता इवन जब बच्चों के मार्क्स आ गए जब रिजल्ट आ गए तो भी हमने कभी प्लॉट करने की कोशिश नहीं करी कि ये हमें मिलता है या नहीं मिलता है तो ये हम करते कब है नॉर्मली जब हम अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पर बना रहे होते हैं तो हम स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं लेकिन इन जनरल जब आपका वो क्वेश्चन पेपर कहीं बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया जाना होता है तो उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी होता है तो जब स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं तब हम वहां पे ये वाला कर्व डालने की डाल के देखते हैं कि हाँ ये जो डेटा आ रहे हैं हमारे टेस्ट से वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर पे फिट है कि नहीं फिट है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो टेस्ट पेपर हमारा बन गया मार्किंग स्कीम भी हमने बना दी अब उसके बाद करना क्या होगा हमारे टेस्ट पेपर को सबसे पहले हम अपने टेस्ट पेपर को ट्राई आउट के लिए ले जाते हैं फील्ड ट्राई आउट पे कि इसको कैसे करना है आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में टाइम लिखा रहता है कि कितने समय में ये सॉल्व हो जाएगा क्या लगता है ये टाइम कैसे डिसाइड होता है इसके लिए भी सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एक सिमिलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे एडमिनिस्टर करना पड़ता है और एडमिनिस्टर करने के बाद जो एवरेज टाइम वो स्टूडेंट्स लेते हैं उसको हम एक एवरेज टाइम डिसाइड करते हैं कि ये टेस्ट पेपर के लिए कंप्लीट करने के लिए ये एवरेज टाइम है जो एजेंसीज हैं जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाती हैं जैसे एन हो गया टी वगैरह हो गया तो वो जब एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमसे क्वेश्चन बनवाते हैं तो वो ये भी मैंशन कर देते हैं कि आप उस पर्टिक जैसे उन्होंने पहले तो ये क्राइटेरिया बना देते हैं कि ईजी और डिफिकल्ट और एवरेज क्वेश्चन अलग अलग बता देते हैं कि इतने ईजी इतने चाहिए इतने डिफिकल्ट साथ ही साथ आप ये भी मैंशन कर दीजिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगा अब जब क्वेश्चन पेपर सेटर या टीचर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका ही बनाया हुआ क्वेश्चन है तो आपको तो बहुत कम समय लगेगा जितने में सॉल्व होता है वो क्वेश्चन उससे मुझे लग रहा है कि वन बाई फिफ्थ टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे और आप उतना ही टाइम उसमें मेंशन भी कर देंगे लेकिन ये सही नहीं है आपको उसको खुद सॉल्व ना करके उस सिमिलर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ प्रेजेंट करना चाहिए और वो जिस टाइम में उसको सॉल्व करते हैं वो जो एवरेज टाइम होता है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक एवरेज टाइम होता है आपको एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ जैसे जो ये एजेंसीज होती हैं जो क्वेश्चन पेपर बनवाती हैं एक्सपर्ट से तो वो बहुत एक अच्छा अमाउंट पे करती हैं एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए तो जैसे अब हम लोग हैं हम लोग को तो ये सारी प्रोसेस पता है कि कल को अगर अगर कोई वो वो क्वेश्चन बनवाएगा आपको इतने रुपए देगा तो वो ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है इन जनरल जैसे हमारे कलीग्स में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि क्वेश्चन पेपर बनाने में इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है तो उनको ये लग रहा था कि अरे ये एजेंसी इतना ज्यादा पैसा देते हैं एक क्वेश्चन बनाने के लिए लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशन उनकी गाइडलाइन उनके सामने आई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत कम है क्योंकि प्रोसेस इतनी लंबी है और इसको करना इतना पॉसिबल नहीं है और बिना किसी ट्रेंड के वो कर भी नहीं सकता इसको तो इसको तो करना बहुत ही टफ है तो एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्शन का अगर आप स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो वो सारे स्टेप्स जो आपको फुलफिल करने होते हैं वो रियली really टफ होते हैं और जैसे अभी मैंने टाइम का एग्जाम्पल लिया कि टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तब तो आपको आसान ही लगेगा क्योंकि आप तो उस क्वेश्चन के लिए बहुत कम समय देंगे तो आपको उस सेम एज ग्रुप के बच्चों के ऊपर वो टेस्ट एडमिनिस्टर करना है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम में सॉल्व कर रहे हैं या पूरे क्वेश्चन पेपर को कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करके तब आप वो एवरेज टाइम मेंशन करते हैं कि हाँ ये एवरेज टाइम हो सकता है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर और टू सॉल्व दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब ये सारी प्रोसेस जितने भी पैरामीटर होते हैं क्वेश्चन पेपर टफ है या इजी है ये भी कैसे पता चलेगा तभी पता चलेगा जब हम एडमिनिस्टर कर दें बच्चों के ऊपर तो अगर एक एवरेज क्वेश्चन पेपर बनेगा तो हमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा अगर क्वेश्चन पेपर हमारा टफ होगा तो ये जो ग, इसकी जो टॉप पोजीशन है जो इसका स्लोप है ये हमें इधर माइनस के साइड शिफ्ट हुआ मिलेगा और अगर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी होगा तो ये जो कर्व है इसका हमें जो है वो थ्री सिग्मा की तरफ शिफ्ट हुआ मिलेगा दोनों ही सिचुएशन गलत है। अब जब हम क्वेश्चन पेपर में शामिल हुए हर एक आइटम को तय करते हैं कि ये इस क्वेश्चन पेपर में रहने लायक है या नहीं है तो हमें इसको मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं जिसमें कि सबसे पहले डिफिकल्टी वैल्यू की बात करते हैं जैसे डिफिकल्टी वैल्यू मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ कहा था कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आप डिफिकल्टी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे जो क्वेश्चन आसान होगा उसको आप सबसे पहले रखेंगे और जो क्वेश्चन टफ होगा यानी कि जिसकी डिफिकल्टी वैल्यू ज्यादा होगी उसको आप कहाँ रखेंगे बाद में रखेंगे तो सबसे पहले तो रखने के पहले तो हमें डिफिकल्टी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो करने का भी तरीका वही है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर बना है उसको फील्ड ट्राई आउट के लिए डालेंगे तो मान लिया आपने सौ बच्चों के इनिशियल ग्रुप पे उसको एडमिनिस्टर कर दिया आपके पास रिजल्ट आ गए उसके बाद हम ये करते हैं कि एक एक क्वेश्चन की आइटम एनालिसिस करते हैं Uh, मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि इन जनरल जब हम ये बातें कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम में पूरा नहीं कर पाते uh, लेकिन अभी क्योंकि हमारा इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो है और हम uh, क्योंकि फेस टू फेस मोड में नहीं है तो हमारे पास ये टाइम बच रहा है तो मैं उस पर डिटेल दे पा रही हूँ तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछिएगा जरूर uh, तो डिफिकल्टी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं और वो हम आइटम एनालिसिस के बाद लगाते हैं आइटम एनालिसिस हम कैसे करते हैं उस पर थोड़ी सी आपको बताती हूँ अगेन रैंकिंग कर सकते हैं क्योंकि ये नॉम रेफरेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो उन कॉपीज को अरेंज कर लेते हैं वन टू हंड्रेड के ऑर्डर में तो जो सबसे ज्यादा स्कोर कर लिया सबसे ऊपर और जो सबसे कम स्कोर किया वो सबसे नीचे अब हम क्या करते हैं जो ऊपर के 27% केसेस होते हैं उन 27 कॉपीज को अलग कर लेते हैं और जो लोवेस्ट वाली 27% कॉपीज होती हैं उन 27 कॉपीज को हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं बीच की कॉपीज को हम छोड़ देते हैं केवल टॉप 27% एंड लोवेस्ट 27% हम ले लेते हैं और अब हम आइटम एनालिसिस की प्रोसेस में जाते हैं क्या करते हैं अब एक-एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 सपोज तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हाई ग्रुप में उसको कितने लोगों ने किया अब क्वेश्चन नंबर वन है मान लिया हाई ग्रुप में सत्ताईस लोग हैं लो ग्रुप में सत्ताईस लोग हैं तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो लो ग्रुप में लोग कर रहे होंगे वो कम लोग करेंगे क्वेश्चन कंपैरेटिवली हाई ग्रुप में ज्यादा लोग कर रहे होंगे तभी वो हाई अचीवर हैं और ये लो अचीवर हैं तो मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर वन की आइटम एनालिसिस करी तो हमने देखा कि जो आपका हाई ग्रुप था उसमें सत्ताइस में से छब्बीस लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है सही और जो लो ग्रुप था वहां सत्ताईस में से केवल बारह लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सही तो हमारे पास दो नंबर निकल के आ गए एक नंबर आ गया आर एच और दूसरा नंबर हमारा हो गया आर एल मतलब नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज इन हाई ग्रुप आर एच और दूसरा नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज इन लोअर ग्रुप दैट दर एल तो आर एच हमारा था ट्वेंटी सिक्स और आर एल कितना था 12, out of 27, केवल 12 students ने lower group में सही, सही किया इस तरह से करते हुए ये पूरी स्टैटिस्टिक्स हम हर एक क्वेश्चन के लिए अरेंज करते हैं सपोज हमारे पास फोर्टी क्वेश्चन हैं, तो एक एक क्वेश्चन के लिए हम हाई ग्रुप में कितनों ने सही किया और लो ग्रुप में कितनों ने सही किया इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं उसके बाद हम उस क्वेश्चन की डिफिकल्टी वैल्यू निकालते हैं डिफिकल्टी वैल्यू जो कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि जिस क्वेश्चन को हाई और लो दोनों ग्रुप में ज्यादा लोगों ने सही किया होगा और डिफरेंस कम होगा आर और आर का जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि सत्ताइस में छब्बीस और उधर बारह तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है नीचे से बहुत कम लोगों ने किया और ऊपर वाले ग्रुप में ज्यादा लोगों ने सही किया तो यहाँ पे डिफरेंस एक बड़ी वैल्यू है तो इसको हम क्या कहेंगे जो भी वैल्यू कैलकुलेट करें मैं फॉर्मूला वगैरह पे नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में इन जनरल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये डिफरेंस होगा ये ज्यादा है इसका मतलब लो ग्रुप में बहुत कम लोग सही कर पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन क्या है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हाई ग्रुप में और लो ग्रुप में इक्वली लोग कर पाए तो वो क्वेश्चन क्या होगा इजी क्वेश्चन होगा इस तरह से करके हम हर एक क्वेश्चन के लिए डिफिकल्टी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं उसका फॉर्मूला होता है आर एच माइनस आर एल अपॉन टू एन इन टू हंड्रेड एन जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एनी ग्रुप है तरीका कुछ भी हो फॉर्मूला कुछ भी हो लेकिन जो हम कैलकुलेट uh, करना चाह रहे हैं उसको आप थ्योरेटिकली समझ लीजिए सिंपल सी बात है जो दोनों ग्रुप में हाई स्कोरर ग्रुप में और लो स्कोरर ग्रुप में जो दोनों में ज्यादा किया जाने वाला क्वेश्चन होगा वो ऑब्वियसली इजी होगा लेकिन जो केवल हाई ग्रुप वाले कर पाए होंगे लो ग्रुप वाले कम कर पाए होंगे वो कम्पेरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो इस तरह से हमें डिफिकल्टी ऑर्डर हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा अब इसके बाद उस डिफिकल्टी ऑर्डर को हमें ध्यान में रखना है और जब भी हम क्वेश्चन अरेंज करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में तो हम उसी डिफिकल्टी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इजी क्वेश्चन हम ऊपर रखेंगे जो ज्यादा ग्रुप में लोगों ने किया था और जो टफ क्वेश्चन होगा उसको हम क्वेश्चन पेपर में नीचे अरेंज कर देंगे जो कम लोगों ने सही किया था अब एक फैक्टर हो गया डिफिकल्टी वैल्यू इसके अलावा भी बहुत सारे मीजर हैं जो आपके टेस्ट को अच्छा टेस्ट बनाने के लिए आप कैलकुलेट करते हैं दूसरा एक और छोटा सा डिस्कस दिस, कर लू डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एक फैक्टर होता है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ये क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन द हाई एबिलिटी एंड लो एबिलिटी स्टूडेंट तो जब हम डिफिकल्टी वैल्यू डिफिकल्टी वैल्यू निकालते हैं तो उसी समय हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी निकाल सकते हैं वही आर एच और आर एल के फॉर्मूले से लेकिन जो पैरामीटर है वो ये है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होना चाहिए वो अगर जीरो पॉइंट फाइव है तो वो क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन माना जाता है आपको क्वेश्चन पेपर में उसको रख सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा हम और लिबर्टी लेते हैं अगर 0.4 तो 0.6 भी निकल के आता है तो भी हम उनको कंसीडर कर लेते हैं लेकिन इससे जो एक्सट्रीम लिमिट के आइटम होंगे जिनका डिफिकल्टी इंडेक्स इससे एक्सट्रीम निकल के आएगा आपको अपने फाइनल टेस्ट में इन क्वेश्चन को नहीं रखना होता है तो जब हम क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं तो सपोज अगर हमें फोर्टी क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इनिशियली हमें लगभग 60 70 क्वेश्चंस लेके चलना पड़ता है क्योंकि तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस आइटम एनालिसिस की प्रोसेस में ड्रॉप हो जाते हैं क्यों जिनका डिफिकल्टी वैल्यू मान लिया हमारे हिसाब से नहीं है बहुत टफ या बहुत इजी वाले हो गए तो उनको भी नहीं रख पाएंगे या जिनका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स बिटवीन रेंज ऑफ 0.4 टू 0.6 नहीं आया तो हम उनको भी नहीं रख पाएंगे तो अल्टीमेटली बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ड्रॉप हो जाते हैं इसलिए हम फिर क्या करते हैं हमें ज्यादा लेके चलना चाहिए तो फिर बाद में हमारे चालीस तो बच ही जाएंगे हम जिनको रिटेन कर सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है एक अच्छे टेस्ट के लिए एक और वेरिएबल है वैलिडिटी फैक्टर है जो कि टेस्ट के लिए होता है दूसरा रिलायबिलिटी ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी हम उसी टेस्ट के ट्राई आउट प्रोसेस से जज करते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है ऑफ़ द टेस्ट। मान लिया कोई भी टेस्ट जिस परपज के लिए बनाया गया है वो उस परपज को चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है मतलब कि मान लिया कोई मैथमेटिकल uh, एबिलिटी के लिए टेस्ट है तो क्या वो वैलिड है उससे मैथमेटिकल एबिलिटी चेक हो रही है या उससे मैथमेटिकल एबिलिटी का मेजरमेंट नहीं हो रहा मान लिया कोई क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए टेस्ट है तो क्या वो क्रिएटिविटी को ही मेजर कर रहा है या कोई और फैक्टर इंटेलिजेंस जो कि मिलता जुलता फैक्टर है उसको मेजर कर रहा है

कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है एक टेस्ट तभी रिलायबल टेस्ट कहलाता है जब अगर उसको बार-बार किसी ग्रुप पे एडमिनिस्टर किया जाए सेम इंडिविजुअल पे कुछ टाइम गैप पे या किसी सेम एबिलिटी वाले दूसरे ग्रुप पे तो मार्क्स में कंसिस्टेंसी रहे जैसे मान लिया एक ग्रुप है कोई जनरल क्लास 12th का आपने उस पे एडमिनिस्टर किया तो जो मार्क्स मिल रहे हैं वो किसी दूसरे ग्रुप्स में भी एवरेज मार्किंग सेम हो तो जब कंसिस्टेंसी मिलेगी किसी भी टेस्ट के स्कोर्स पे तो यह मान लिया किसी ग्रुप पे आपने वो टेस्ट एडमिनिस्टर किया और उसके बाद फिर आप एक महीने बाद उसी ग्रुप पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर करें तो पहले और बाद के स्कोर्स में भी कंसिस्टेंसी देखने को मिले तो हम कहते हैं कि वो टेस्ट हमारा क्या है रिलायबल है अब हम बार बार तो एडमिनिस्टर करके इसको कैलकुलेट नहीं करते तो रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास तरीके हैं जिसमें हम एक टेस्ट को बार बार नहीं भी लेके टेस्ट को दो सेक्शन में स्प्लिट करके स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं वहां पे हम कोरिलेशन कॉफिशियंट बिटवीन टू हाफ कैलकुलेट कर लेते हैं और वो आपका जो रिलायबिलिटी का इंडेक्स आता है वो बताता है कि आपका टेस्ट रिलायबल है या नहीं और जो पैरामीटर्स है वो बहुत क्लियर है उसमें कुछ बहुत ऐसा बताने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी का कंसर्न केवल स्कोरिंग से है जो कि मैं पहले से भी डिस्कस करती आ रही हूँ कि स्कोरिंग जो है वो सिमिलर रहे चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो ऑब्जेक्टिविटी भी आपको टेस्ट में मेंटेन करनी है कि जो वर्ड्स हो वो बहुत ज्यादा अलग अलग मीनिंग वाले ना हो एक स्पेसिफिक आंसर हो जो लाइन ऑफ एक्शन हो आंसर की वो भी फिक्स हो फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेबिलिटी भी होनी चाहिए Uh, जो भी आपका टेस्ट हो वो बिटवीन द हाई मेंटल एबिलिटी बिटवीन द एवरेज मेंटल एबिलिटी एंड बिटवीन द लो मेंटल एबिलिटी स्टूडेंट क्या करता हो डिस्क्रिमिनेट करने में भी पोटेंशियल रखता हो प्रैक्टिकेबिलिटी पेपर प्रॉपर साइज का होना चाहिए प्रॉपर टाइम में पूरा हो जाना चाहिए उसके अंदर सारी प्रैक्टिबिलिटी जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारी होनी चाहिए सिंपलिसिटी इन स्कोरिंग स्कोरिंग आसान होनी चाहिए बहुत टफ स्कोरिंग भी नहीं होनी चाहिए कि वो भी हमारा करने के लिए प्रॉब्लम हो जाए स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया वही की कर्व पे फिट हो रहा है या नहीं फिट हो रहा है आइटम्स की डिफिकल्टी वैल्यू डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स आपने कैलकुलेट कर लिए कि नहीं कर लिए उसके हिसाब से सारे पैरामीटर पे फुलफिल है या नहीं है अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिकल कभी कभी ऐसा भी ना हो जाए कि ये सब करते हुए इतना कॉस्टली टेस्ट हो गया कि आपने जो टेस्ट की फी रख रखी है वही बच्चे के दिमाग के बाहर है वो उसको नहीं कर पा रहा है तो सब कुछ करते हुए आपको एक पेपर भी इतने नहीं होने चाहिए पचास पेज का टेस्ट हो कि वो संस्थान उसको छपाने में सक्षम नहीं है इतना मोटा बंडल हैंडलिंग में दिक्कत है ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवनेस डिफरेंट आस्पेक्ट को कवर करता सारे हो सारे आस्पेक्ट के क्वेश्चन हो सारे कंटेंट से क्वेश्चन हो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी जो कॉन्करेंट वैलिडिटी हो जैसे मान लिया अगर हम इंटेलिजेंस के टेस्ट की बात करें आप सभी जानते होंगे कि आईक्यू के टेस्ट होते हैं आईक्यू का मेजरमेंट किया जाता है तो आईक्यू के जो टेस्ट है वो जो आज से 25 साल पहले के जो टेस्ट थे अभी भी है लेकिन अभी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है क्यों क्योंकि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चेंज हो चुका है जो टेस्ट हो जिस समय उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो उस हिसाब से हमें उसका यह भी देखना है कि वो टेस्ट उस समय के हिसाब से वैलिड है एक्सेप्टेबल है या नहीं है तो ये सब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें एक अच्छे टेस्ट पेपर हो, होने में देखनी चाहिए सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर द इवेल्युएशन एंड असेसमेंट एंड फीडबैक नाउ दू यू प्रीति मैम और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमसे पूछिए आप लोग Uh, कोई भी क्वेरी है तो आप और अपने प्लेस करिए अभी हमारे पास दस मिनट बचे हुए हैं इसमें मैं, मैं आ, सर सर डॉक्टर सुनील बंजारी बताइए हेलो मैडम अपन ने सुबह वाले सुबह वाले सेशन में अपन ने एक डिस्कशन किया था आ, तो जिसके अंदर अपन सुसाइडल टेंडेंसी देखने के बारे में अपन बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के बारे में हाँ तो मैडम इसमें मुझे अपना एक व्यू मुझे ये बोलना था मे भी वो वैरी करता हूँ मैडम एक्चुअली स्टूडेंट जो है वो जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर कमिट कर रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपना एजुकेशन सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं कहीं ना कही पहले जो है तरीके से कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है वो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि पहले देखिए मैडम हर लेवल के ऊपर उनको उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए बेसिकली शुरुआत से ट्रेनिंग दिया जाता था जैसे कि अभी देखिए मैडम आप एट तक नाइन तक बच्चों को फेल ही नहीं कर सकते इसका मतलब हाँ, बच्चों को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं ऐसा उसकी दिमाग में माइंड हो चुका है अब सडनली नो प्रेशर जोन से सडनली हाई प्रेशर जोन में वो आ जाता है यानी नीट जेड या जो कुछ भी है तो उस वक्त वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होता कि उतना प्रेशर हैंडल कर सके बेसिकली हाँ। अपने को जो एजुकेशन का कंटेंट लो करने के बजाय अगर अपने बच्चों की मोरल उनका अगर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अगर बढ़ा दे द लोअर लेवल तो इजीली वो प्रेशर को सस्टेन कर पाएगा और वो इजीली टिक पाएगा ये मुझे ऐसा लगता है मैडम और दिन ब दिन मैंने जो आपको बताया टैक्सोनॉमी के हिसाब से तो इफेक्टिव डोमेन की ट्रेनिंग और उस पर ध्यान दिया जाना ठीक है हाँ। आपने कॉमनेटिव डोमेन के हिसाब से उसको फेल पास नहीं किया लेकिन थोड़ा सा काम करने की जरूरत है इफेक्टिव डोमेन पे भी जैसे बच्चे के अंदर आ, मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट देती हूँ शायद आप लोग अगर मैं वही कहती हूँ कि अगर कोई दो लोग भी अगर कुछ काम करने लगे तो मेरा लेक्चर सक्सेसफुल होगा जैसे हम बच्चे को पास फेल नहीं कर रहे क्लास एथ तक तो उसके पास उस समय तो और अपॉर्चुनिटी है ना कि आप उसको एफेक्टिव डोमेन के बारे में सिखाइए डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में सिखाइए तो सपोज आप चाइल्ड लेबर के बारे में बच्चों को बताते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में अगर आप क्लासरूम में एयर कंडीशन क्लासरूम है वहां पे बैठा के अगर बच्चे को समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा तो आप एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं कि अः जहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है सपोज जो वो अगरबत्ती बच्चे बनाते हैं तो एक बार आप उस फील्ड पे ले जाइए वहां पे देखिए जब बच्चा वो आठ घंटे बैठेगा उस पोजीशन में और वो एक एक रोल करना पड़ेगा और वहां का इन्वायरमेंट ऐसा होगा जो कि प्रॉपरली एयर भी नहीं है और बच्चा उस सरकम में देख रहा है तो जब वो एक प्रॉपर सिटीजन बनेगा उस पोजिशन में रहेगा तो वो कभी भी चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं करेगा लेकिन अगर खाली चाइल्ड लेबर पढ़ा दिया और फेल करने का वैसा भी चांस नहीं है तो कुछ एक्ट बता दिए कुछ रूल बता दिए चाइल्ड लेबर को बता दिया समझा दिया बच्चे ने पढ़ भी लिया पास भी कर लिया लेकिन जब हमने चाइल्ड लेबर को फील ही नहीं किया फील ही नहीं करवाया दिखाया ही नहीं तो बच्चे के अंदर वो इम्पैथी डेवलप नहीं हो पाएगी तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर कॉग्नेटिव का असेसमेंट का लोड नहीं है तो उसको भी गवर्नमेंट ने तो इसीलिए किया ना लेकिन उसको भी हम पॉजिटिवली कैसे लें दूसरी एक्टिविटीज में बच्चे को कैसे इनकलकेट करें सोशल वैल्यूज हम बच्चे को कैसे सिखाएं, तो जब बच्चा उन बच्चों को देखता है कि हाँ हाँ ये इस प्रेशर में इस कंडीशन में काम कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन भी तो बेटर लगने लगती है ना कि नहीं हम तो बहुत बेटर सिचुएशन में देखो बच्चे इस तरह से भी रह रहे हैं Uh, जो बेसिकली जो सुसाइडल टेंडेंसी है उसके पीछे अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें तो वो पर्सन अपने को सबसे ज्यादा दयनीय समझने लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पे तो जिस दिन हमने ये मॉरल वैल्यूज इंकल्केट कर ली कि सी uh, जो आपसे नीचे है उनको आप देख लिया करिए कभी कभी अपने ऊपर वालों को ही क्यों देखना तो अगर ये सिखा लिया तो हो सकता है कि वो टेंडेंसी ना रहे अब आप सोचो कि जो मेडिकल exactly में बच्चे आई आई टी कर लिया सब कुछ कर लिया हाँ सर आप कुछ कह रहे थे यही मैडम आप जो अभी बता रहे थे कि उसको ना कि अपन एजुकेशन का लेवल नीचे ले, ले जाए उसके बजाय अपन उस बच्चे को प्रैक्टिकल कंडीशंस में लाए उसको प्रेशर हैंडल करने की ये दे उसके अंदर हाँ। वो एबिलिटी अपन डेवलप करे तो वो बच्चा देर तक अच्छे से हैंडल कर को, और उसके दिमाग में कभी ये बात ही नहीं सकती कि मुझे या फिर ऐसा कुछ चीजें करनी है वो पता क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो उस लेवल के प्रेशर को पहले समझते yes, ही नहीं थे ऑफ ओवर एम्बिशन प्रेशर मिलेगा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जैसे बच्चे क्या कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है डॉक्टर इंजीनियर एक समय था डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ होता ही नहीं था तो मैं ये कह रही हूँ कि बच्चा जो टेंथ में है इलेवेंथ में है ट्वेल्थ में है एक बार उसको डॉक्टर का जो जॉब है उसके बारे में दिखाना नहीं चाहिए हॉस्पिटल में विजिट नहीं कराना चाहिए जैसे मैं आ, मैंने पहले पीएमटी की तैयारी भी करी फिर मैं जब नहीं हो रहा था दो तीन बार तो मैंने अपना एरिया चेंज किया और उसके बाद बी तो मजबूरी में कर लिया था लेकिन एम फिर मैंने अपनी बिल्कुल मर्जी से किया और आज मैं अपने एरिया में सक्सेसफुल हूँ और अब जब मैं हॉस्पिटल्स को देखती हूँ मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो जब मैं हॉस्पिटल को देखती हूं तो पता मैं उतनी बार भगवान को थैंकफुल होती हूँ कि अच्छा हुआ था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ व्हाट इज द लाइफ पता मतलब बारह बारह घंटे लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं दो दो शिफ्ट की ड्यूटी कर रहे हैं पड़े हुए हैं ना खाने का है वहां पे इतनी गंदी स्मेल्स आ रही है मेडिसिन की सारी चीजें आप जो सीन देख रहे हैं वो क्या है कि आ, कोई अभी इंजर्ड चला रहा है कोई कुछ कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो लेकिन आपकी जो सीन है वो वही है वो चिल्ला रहा है वो करा रहा जैसे जितने बड़े बड़े फेस्टिवल होते थे दीपावली वगैरह हो गई तो वहां पे इंजरीज के केसेस और ज्यादा होते हैं बुरी कंडीशन होती है ये इन्वायरमेंट है तो और हाँ वर्क प्रेशर वर्क करने के लिए आपको 20 का कैलिबर होना चाहिए। अगर आप पहले से दिखा दिया होता कि हॉस्पिटल में ऐसे काम होता है तो शायद मैं पहले भी नहीं सोचती जो, जो मैंने अपना एक दो साल बर्बाद किया मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि मैं चौबीस घंटे इस इन्वायरमेंट में जहां पर सांस लेना मुश्किल है वहां पर काम कर सकूं तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को ये प्रेशर अगर वो हैंडल करने की उसके अंदर क्षमता नहीं है तो उसको उस प्रेशर के बारे में अगर पहले से बता दिया जाए एक टेंथ क्लास में एक छोटा सा विजिट हॉस्पिटल में दिखा दिया जाए हॉस्पिटल का जो ड्यूटी का चार्ट होता है वो दिखा दिया जाए या कोई जो प्राइवेट अपना हॉस्पिटल चलाता है बड़ा लुक्रेटिव लगता है ना तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल वाले का भी स्ट्रक्चर दिखा दिया जाए कि वो बेचारा चौबीस घंटे काम करता है उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो कभी वेकेशन पे चला जाए क्योंकि उसका प्राइवेट हॉस्पिटल है किसको देके चला जाए अगर वो मतलब डॉक्टर है अगर वो मैनेजमेंट का है एडमिनिस्ट्रेटर है देन इट्स ओके उसके पास तो टाइम क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है उसका एक नहीं दूसरा डॉक्टर हॉस्पिटल देखेगा लेकिन अगर वो इट्स सेल्फ डॉक्टर है तो वो कहाँ चला जाए किसको छोड़ के चला जाए तो ये सारी चीजें तो हमें देख लेनी चाहिए तो अगर हमारी लिस्ट में ये है कि हमें वैकेशन एंजॉय करनी है फिफ्टीन डेज की अब्रॉड ट्रिप एंजॉय करनी है तो तो हम एक डॉक्टर तो नहीं बन सकते तो ये तो हमें पहले क्लियर हो जाना चाहिए तो जो एक हम खाली किसी प्रोफेशन के बारे में उसके लुक्रेटिवनेस को प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने उनको प्रेशराइज़ करते हैं उसकी ग्राउंड लेवल रियलिटी से भी तो हमें अवेयर करा देना चाहिए बच्चे को एम आई राइट और कोई क्वेश्चन है हाँ मैडम एक क्वेश्चन ऐसा था है कई बार सिलेबस ऐसा हो जाता है कि वो सिलेबस बहुत लेंदी है और उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है और सपोज मैं एक बेसिक सिलेबस बात कर रहा हूँ एनसीसी डिफेंस सर्विसेज का सिलेबस है उसमें एग्जाम जो है वो दो पैटर्न पे होते हैं एक हो रहा है अपना कॉमन सब्जेक्ट और एक हो रहा है स्पेशल सब्जेक्ट उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो ओनली फॉर संडे है यानी हमको एटी एटी थ्री आवर्स है उसमें हमको वो कोर्स कंप्लीट और उसका जो लेंदी पोर्शन है वो इतना लेंदी है और हर आ, एक सेक्शन पे उसको पास होना है बच्चे को जब उसका नेशनल लेवल का पेपर आता है तो उसके तीन सेक्शन हो जाते हैं यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन और उसको तीनों सेक्शन में पास होना है और फोर्टी परसेंट मार्क्स चाहिए आ, और जब स्पेशल सब्जेक्ट आता है नेवल एयरफोर्स और आर्मी का तो उसमें उसको फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स चाहिए तो ऐसे टाइम पे जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है वो ऐसी आ जाती है कि कोर्स कैसे कंप्लीट करे क्योंकि बच्चों के पास दो प्रेशर है एक तो उसका एकेडमिक का भी प्रेशर रहता है और उसने जो एक चूज किया है कि भाई मुझे एनसीसी जाना है और मुझे डिफेंस सर्विसेस में जाना है तो ऐसे टाइम में बच्चा भी बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि एनसीसी का बेनिफिट वो एनडीए में लेता है एसएसबी में लेता है और उसके कारण हम लोग भी बहुत प्रेशराइज रहते हैं क्योंकि फैकल्टी नहीं मिलती कि जो वक्त हाँ। पे संडे को अवेलेबल ही हो जाए तो हाँ। ऐसे सिचुएशन में बच्चों को कैसे हैंडल करना क्योंकि मैं ओपन यूनिट से बिलोंग करता हूं एनसीसी के और नागपुर के करीबन मेरे पास साढ़े सात सौ आठ सौ बच्चे हैं जिनको हैंडल हाँ। करना है और अलग अलग कॉलेजेस से हैं वो सर तो... अब सीट में हम लोग पहुंच गए हैं तो मुझे अब आपकी प्रॉब्लम छोटी लग रही है जैसे कि संडे में मान लिया पहले लोग नहीं अवेलेबल होते थे क्योंकि मान लिया कहीं चले जाते हैं सैटरडे संडे प्लान करके तो सर सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो एक अपॉर्चुनिटी विंडो जो खुल के आ गया है वो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जहाँ पे हमारा जो एनसीसी का बच्चा है जिस लेवल level... है ही इज वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सर आ, जैसे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो आज मूडल्स वगैरह पे आ, हमें ज्वाइन करे हम वहां पे लेक्चर्स डाल दे तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पढ़ सके क्योंकि तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लगता है कुछ ज्यादा ओवर एम्बिश वाला हो जाएगा लेकिन सर हम क्लासेस संडे और संडे को भी उनकी कन्वीनियंस से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं संडे को ही क्लासेस होती सर, है आज से पाँच साल पहले ये चीज बहुत मुश्किल थी लेकिन अभी अगर सर वो मटेरियल भी अगर हमें बच्चे को प्रोवाइड कराना हो तो वो भी हम सॉफ्ट कॉपी में या एक उनका कम्पैक्ट ग्रुप करके व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर कर सकते हैं तो वो सेल्फ भी मैडम ये को भी सर रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं मैडम ये जो सारी टूल्स एंड टेक्निक्स है ना वो तो डी जी का एक अपना एक नेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल है सारी चीज अवेलेबल है लेकिन जब बच्चे का हम लोग एग्जाम लेते हैं अब वो एग्जाम कैसा है सभी जगह चल रहा है जैसे अगर नेशनल लेवल का एग्जाम है एक ही पेपर है और दो लैंग्वेज में पेपर है और उसमें कैसा होता है कि सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है हम लोग भी ऑनलाइन टीचिंग uh, में जाते हैं बच्चों को रात को डिफिकल्टीज में अगर आ, बैठते हैं तो हम लोग उनको सॉल्व करके हाँ। हैं ऑनलाइन प्रोसेस में लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है कि बच्चा वहाँ पर लिख ही नहीं पाता है उतने मार्क्स ही नहीं ले पाता है इतना लेंदी सिलेबस हो जाता है वो तो सर अगर आपको है। ये लगा कि ये सिलेबस की प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट तो आप ये हायर अथॉरिटीज को बोल सकते हैं और अगर आ, हमेशा कोई भी सिलेबस होता है सर उसका पांच छह साल में कमेटी रिवाइज करने के लिए तो बैठती है तो जो आउटडेटेड कंटेंट होते हैं उनको भी हम हटाते हैं कि अननेसेसरी जैसे अब आ, हमारे जो सिलेबस में है यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम तो मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ाने की जरूरत है क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकली उसको कर रहा है तो जो चीजें आउटडेटेड है वो हटाई भी जाती है नई चीजें इंट्रोड्यूस भी करी जाती है जैसे अभी हम साइंस की बुक की बात करें एनसीआरटी की जैसे हम लोग बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम उस पॉलिसी मेकिंग वाले स्टेज में है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साइंस की बुक विद इन फाइव ईयर अभी रिवाइज हो जानी चाहिए और उसमें

हमें लीड लेना चाहिए हो या ना हो लेकिन हमने किया hmm. अगर हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है तो हमें करना चाहिए ओके थैंक यू थैंक यू सर रुकते हैं मैडम यहाँ पे आगे का फिर कल कंटिन्यू हाँ. करेंगे जी ठीक है कल नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर प्रशांत सर आर यू देर Uh, yes, ma'am. Ah, yes, yes. kindly propose vote of thanks to Dr. Bajpayee ma'am. Yes, sir. Please uh, thank proceed. Thank you. Uh, good afternoon everyone. I think both sessions were very interesting, engaging and effective, and it has been such an honor to be a part of this wonderful session. I, Prashant Narayane, on behalf of HRD, UGC Centre, uh, Nakpur University, and all my fellow participants, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, uh, Dr. Suhasini Bajpayee, ma'am, Assistant Professor, Mahatma Gandhi, Antarashya, Hindi Vishwavidyalai, Vardha. Today, we have got a lot of information which will truly help us in our profession. Ma'am, we have no words to offer gratitude for your valuable presence. Uh, you gave deep insight into the topic and revealed some interesting facts. Thank you, ma'am. Uh, and last but not least, I would like to extend my heartfelt gratitude on behalf of all participants to Dr. Priti ma'am who uh, since last 15 days has been playing a role not a only as a catalyst, but also a torch bearer for us. Uh, thank you, madam. Thank you for your constant support and guidance. And also, I'm thankful to each and every participants who have joined this program. Thank you. Thank you all. थैंक यू सो मच प्रशांत सर बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू मैम सर रेहू यस मैम थैंक यू मैम कल मिलते हैं मैम सुबह या श्योर थैंक यू तो प्रीति मैम यस जस्ट लेट मी लेट मी लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग 1 मिनट